और आप सबका स्वागत है एमडी कॉन्सेप्ट ऐप पर। और आज का सेशन हमारा पावर फॉर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसी में से आधारित होगा। उससे पहले जो आपने क्लास ली थी जरा उसकी चर्चा हो जाए। हमारा लास्ट सेशन था इन्वर्जन ऑफ वर्ब, ठीक है। लास्ट सेशन हमारा क्या था? इन्वर्जन ऑफ वर्ब। तो उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन है, जरा उनको बात कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो उसमें बेस्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है सर, आज ट्रांसलेशन शुरू कीजिए। ट्रांसलेशन भी शुरू होगा, परेशान होना। तो उसमें पहले बेस्ट क्वेश्चन है, जरा उसको देख लें। जो हमारा लास्ट सेशन था इन्वर्जन ऑफ वर्ब, तो इन्वर्जन में कुछ क्वेश्चन हमने लिख डाले, ठीक है। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वर्जन ऑफ वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वर्जन ऑफ वर्ब्स। आपके पास क्वेश्चन है और आपको क्या करना है बताते हैं, किस पार्ट में एरर है आपको उसको बताना है, ठीक है। आपको किस पार्ट में एरर है ये बताना, मैं क्वेश्चन को अंडरलाइन करता हूँ। ले मेरे भाई, ठीक है। आपको ये फर्स्ट पार्ट रहा, ठीक है। ये मेरा ए पार्ट हुआ, ये ए पार्ट में एरर है। उसके बाद मैं लेता हूँ डैट, सही है, डैट एवरी वोटर, ये बी पार्ट हुआ। और आपका वॉज बुक सी पार्ट हुआ, और साथ में एरर। लो आपको बताना, ठीक है। सेमेस्टर में इज कंप्लीटली नेगेजेंट, ये ए पार्ट होगा, ठीक है। ऑफ हिज स्टडीज, ठीक है, ऑफ हिज स्टडीज, ये बी पार्ट होगा। और आपका एज, ठीक है, ये सी पार्ट होगा। और लास्ट में आपका नो एरर, इसको मैं ए नहीं लिखता हूं। वी आर मोर मेंटली इनस्टेबल, ये आपका ए पार्ट। एंड आपका देन, ठीक है, देन आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, ये आपका देन आवर एंसेस्टर्स हैव। अगर ये दिया है तो पहले मैं बता दूं, ये पार्ट में इसी को मैं दो पार्ट, ये ए पार्ट होगा यहाँ तक, दिस वन इज ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ यहाँ तक आपको बी पार्ट, ठीक है, ये बी पार्ट हुआ। और आवर एंसेस्टर्स, ये सी पार्ट, और लास्ट में एनी। फिर आपका माय फ्रेंड नेवर मिसेस, ठीक है, ये आपका ए पार्ट हुआ। और एनी क्लासेस, ठीक है, एनी क्लासेस, ये आपका बी पार्ट, और सी पार्ट ये रहा, और लास्ट पार्ट आपका एनी रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लो बोर्ड पे फटाफट देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, सो इमोशनल द पॉलिटिशियंस अपील वाज दैट एवरी वोटर वाज मूव्ड। एवरी वोटर वाज मूव्ड का क्या मीनिंग है, कि जितने भी वोटर थे, प्रत्येक वोटर मतदाता मूव्ड हो गए, पिघल गए। मूव का मतलब यहां हिलना पिघलना, ठीक है, क्योंकि इतना अपील जबरदस्त था कि वो मूव कर गए, उन्हीं को वोट देने लगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जान लो, ये आपका जो देखो ऑरेंज टेस्ट सावर, ठीक है, ऑरेंज टेस्ट सावर, इट इज सावर, ऑरेंज इज सावर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये मान ली पोल, ऑरेंज इज सावर व्हेन इट इज टेस्टेड। पर ये क्वेश्चन बना, तो ये आपका इसमें आपको इमोशन बताना। अभी कोई क्वेश्चन ना पूछे, मैं क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट, ठीक है। ये आपका सो इमोशनल पॉलिटिशियंस अपील वाज दैट एवरी वोटर वाज मूव्ड। सेकंड, ही इज कंप्लीटली नेग्लिजेंट ऑफ हिज स्टडीज एज हिज मोस्ट फ्रेंड्स आर। वी आर मोर मेंटली इनस्टेबल, ए पार्ट मेंटली तक इनस्टेबल, बी पार्ट तक इनस्टेबल, देन आवर एंसेस्टर्स वर। माय फ्रेंड नेवर मिसेस, ये फर्स्ट पार्ट, एनी क्लासेस, एंड ए बी पार्ट, सो आई डू, ठीक है, सी पार्ट, और लास्ट पार्ट ई, ठीक है। अब देखो इसी में अपना क्वेश्चन 5 देखो, ओनली बाय हार्ड वर्क, ठीक है, ये ए पार्ट है। यू कैन गेट सक्सेस, ठीक है, यू कैन गेट दिया, तो मैं इसको यू कैन गो बी पार्ट, और गेट सक्सेस है सी पार्ट, और लास्ट में ई पार्ट, एनी नॉट हियर, सही, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये आपका अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है। द अक्यूज्ड विल गेट, ये हमारा सी पार्ट है। उसका क्या है, सॉरी, ये बी पार्ट है, और अगला मेरा पार्ट होगा सी, ठीक है। ये हमारा अगला पार्ट क्या होगा, ये सी होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा एनी, नॉट हियर, नॉट ए, देखिए नॉट, अगर ये नॉट दिया तो मैं इसी को ले लूं ए पार्ट, ए वर्ड, ये आपका बी पार्ट, ये स्पोक, ये हमारा सी पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा नो हियर। नाइदर, ठीक है, नाइदर डिड ही राइट, ये आपका ए पार्ट। उसके बाद टू मी, सही है, टू मी, नॉट, याद लेते हैं, ये आपका बी पार्ट। और ही कॉल्ड मी, ये सी पार्ट, दिस वन इज सी पार्ट, लास्ट पार्ट एनी। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट पेड, ये आपका ए पार्ट, सही है, ही फीस फीस, एंड ये आपका बी पार्ट। नाइदर यू हैव, ये हमारा सी पार्ट, और लास्ट पार्ट होगा ई, ठीक है। लिटिल ही रियलाइज, ये ए पार्ट है, दैट ही वाज, ठीक है, दैट ही वाज, ये बी पार्ट, बीइंग लव्ड एट, ये सी पार्ट, और आखिरी होगा नो, सही ना, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन है अपने पास, आपको जवाब देने मेरे भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पीछे से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देख लो आप फटाफट, जवाब देना। लाल वाला एनवायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ मेनी गैसेस, उसका पैसिव क्या होगा, द एनवायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ होता नहीं, लाल वाला कंप्राइजेज के साथ एक्टिव फॉर्म में प्रिपरेशन नहीं होता, कंप्राइजेज के साथ ऑफ होगा नहीं, कंप्राइजेज मेनी गैसेज होता है, मेनी गैसेज आर कंप्राइज्ड ऑफ, पैसिव में ऑफ ले लेता है। चलिए सतुदान सिंह भैया, अच्छा से लिखा कीजिए, अबे क्या बोल रहे हैं, तू अच्छे से लिखा करो, देख अच्छे से, अच्छा से लिखा कीजिए, अच्छा से लिखा, बात मुझे दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, मेरे पास भी है, ठीक है, मोबाइल में दिखाते हैं अभी, जवाब दो पहले फटाफट, ठीक है, फटाफट आपको जो मैं बोला हूँ करो काम, ठीक है, समझे, फटाफट हो गया, चलते हैं, शुरू हो जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन शुरू, मेरी फर्स्ट क्लास है, ओके भाई, अभी फर्स्ट क्लास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास है तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास हो तो बड़ी अच्छी बात है, मजे अब आएंगे, फर्स्ट क्लास है तो और मजा आएगा, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, जिनकी फर्स्ट क्लास है मजे लो, ठीक है, चलिए कवर हो जाएगा, हाँ भाई, जाके पूरा प्रीवियस जितने वीडियोज है ना, प्रीवियस जितने पहले वीडियो उनको देख लो, कवर हो जाएगा, बहुत अच्छी बेसिक चला है, आज से सेशन शुरू हुआ, सही, आज से टॉपिक शुरू हो रहा है, और आज से सर पाने पाएंगे, पहले बार कर लेंगे, तो मैं भी देख रहा हूँ आप लोग के साथ, और कौन बोला था कि ठीक से लिखा कीजिए, भाई आप ठीक से लिखा हुआ मेरे भाई, भाई बोला कि ठीक से लिखा कीजिए, मुझे तो ठीक लग रहा है, बस समझे, मुझे तो ठीक लग रहा है, चलो बना जाए, क्वेश्चन को किया जाए, चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम आए, आज से मैं टॉपिक, आज से मैं टॉपिक होगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए कुछ खास बातें, ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए कुछ खास बातें लिखूँ, क्या है मेरे भाई, देख लो तीसरा नंबर पेज में बताएंगे आपको, देखिए भाई है क्या, कि इन्वर्जन ऑफ वर्ब, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फिर से मैं बता दूँ कि इन्वर्जन ऑफ वर्ब है क्या, ठीक है, ये इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या है, जल्द जा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, ठीक है, जो बच्चे नए उनके लिए इन्वर्जन, देखिए इन्वर्जन ऑफ वर्ब, इन्वर्जन ऑफ वर्ब का क्या मीनिंग है, ठीक है, जो बच्चे पहली बार आ जाए फर्स्ट डे, देखिए जनरल जो कंसेप्ट है हमारा, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है, ऐसे सिचुएशन है, जहाँ हमारा क्या होगा, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है, और ये जो अगर केस आ गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट बोलते हैं आईओ वी, इन्वर्जन ऑफ वर्ब, तो ये चीज को अप्लाई करना जो मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, बस बोलो ना, तो इसका सर पहले क्लासेस नहीं, क्लासेस से पहले वर्ब से मुलाकात होनी चाहिए, क्लासेस से बताएंगे वो टाइम एंड उसी में खत्म हो जाएगा, तो ये देखो बोलिए, तो इन्वर्जन में क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है, मैंने लिखा था कुछ पॉइंट्स लिखा था, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, कि नेगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब्स जब भी आएंगे, नेगेटिव एडवर्ब्स जब भी आएंगे तो इन्वर्जन होता है, नेगेटिव एडवर्ब्स अगर क्या हो सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस या क्लॉज के शुरू में, ठीक है, क्लॉज के शुरू में, तो आपका इन्वर्जन पक्का है, ठीक है, शुरू में, ये मेरा पहला पॉइंट था, याद है, इसमें आपका नेगेटिव एडवर्ब्स कौन-कौन था, आप याद करो, हार्डली, फटाफट लिख देते हैं, फिर से हार्डली, स्कार्सली, याद है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, आपका देखो बेयरली, याद होना चाहिए आपको जुबान पे, ठीक है, इवन की लिटिल, लिटिल का मतलब ना के बराबर, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू का मतलब ना के बराबर, याद है बात, ये आपको एकदम जुबान पे याद आना चाहिए, ठीक है, ये आपका जुबान पे, इवन क्या बताते हैं, नेवर, एनी वी आर नेवर, नॉट से शुरू हो जाए, नॉट, एन ओ टी नॉट, ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए, नेगेटिव वाले जितने भी है, ठीक है, आपको याद होगा सेल्डम, सही है, सेल्डम याद होना चाहिए,
तो ये जितने भी आपको याद रखना चाहिए, साथ ही साथ आपको बता दूं ये नेगेटिव है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ये भी नेगेटिव है, ये फ्रेज है लेकिन इसको याद रखना, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ये भी आपको याद रखना, एट नो टाइम, एट नो टाइम, एट नो टाइम, सही है। तो ये आपको नेगेटिव वर्ब्स अगर शुरू हुआ तो इन्वर्जन होगा, बस मुझे साफ दिख रहा है, यस ये नेगेटिव वर्ब्स अगर शुरू होगा तो इन्वर्जन होगा, एक बार पढ़ लो आप लोग, सही फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, सही है, कंडीशन इन्वर्जन्स के लिए। अब मैं यहां लिखा हूं क्या, कंडीशंस, देखिए कंडीशंस शर्ट लिख रहा है, कंडीशंस है, कंडीशंस मैं लिख रहा हूं, अब आपको याद रखना है कंडीशंस, आपको याद रखना है, ठीक है, ये कंडीशन से पहला कंडीशन लिखा गया, सेल्डम भी है, यस नेगेटिव है वो, चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूसरा कंडीशन लेते हैं, सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में सेकंड कंडीशन ग्रुप में लेता हूं, ठीक है, सेकंड कंडीशन ग्रुप में लेता हूं, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि ओनली, ओनली प्लस, ठीक है, ओनली प्लस अगर हो जाए क्या एडवर्ब, वो भी क्या टाइम एडवर्ब, ठीक है, टाइम एडवर्ब, ओनली प्लस टाइम एडवर्ब, या आपको क्या हो जाए ओनली के साथ, या तो ओनली प्लस टाइम एडवर्ब हो जाए, या ओनली के साथ प्रीपोजिशन हो जाए, प्रीपोजिशन हो जाए, ठीक है, प्रीपोजिशन हो जाए क्या शुरू में, ठीक है, शुरू में सेंटेंस के शुरू में, शुरू में क्या चीज़ है भाई, तो आइदर सेंटेंस होगा या आपका क्लॉज होगा, ये दोनों के बीच में बात है, तो आपको क्या होगा इन्वर्जन हो जाएगा, ये दिमाग रखिएगा, ओनली प्लस टाइम एडवर्ब या प्रीपोजिशन, ठीक है, ये आपको स्पष्ट रूप से याद रखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको तीसरा के रूप में हमने बताया होगा कि अगर आपका सेंटेंस, ठीक है, अगर फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज दिया है और फर्स्ट क्लॉज के बाद, ठीक है, के बाद आपको एज या देन, एज और देन हो, और इसके बाद अगर सेकंड क्लॉज होगा, सेकंड क्लॉज, तो इस सेकंड क्लॉज में, यहाँ पे सेकंड क्लॉज में इन्वर्जन होगा, ये रटा मार करने का, कि अगर फर्स्ट क्लॉज दिया है, सही है, बस ज्यादा फर्स्ट हो रहे हैं, मजा नहीं आता है, मीडियम चाहिए, क्या लिख रहा है, ज्यादा फास्ट, अच्छा यार लिख रहा हूँ, वरुण अभी लिख रहा हूँ, फास्ट होने आ रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होना, अगर फर्स्ट क्लॉज, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज हो और सेकंड क्लॉज एज और देन हो, और सेकंड क्लॉज हो एज के बाद, तो इन्वर्जन होगा। चौथा, अगर फर्स्ट क्लॉज, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज हो और फर्स्ट क्लॉज आपका पॉजिटिव सेंस वाला हो, पॉजिटिव दैट इज अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो, ध्यान समझेंगे इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद क्या हो बीच में, सही है, सो से जुड़ा हुआ, सो आप सुनो, सो से, तो सेकंड क्लॉज होगा, सो के बाद सेकंड क्लॉज, इसमें भी आपका इन्वर्जन होगा, सेकंड क्लॉज में क्या होगा, इन्वर्जन होगा, ये आपका चौथा। पांचवा है कि अगर फर्स्ट क्लॉज, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव माने समझो यानी नेगेटिव सेंटेंस हो, आप समझे, नेगेटिव सेंटेंस, और आपको बीच में क्या हो जाए, नाइदर, नाइदर या नॉर आ जाए, नाइदर या नॉर आ जाए, उसके बाद आपका सेकंड क्लॉज होगा, और सेकंड क्लॉज अगर होगा तो यहां पे इन्वर्जन होगा, ये पॉइंट्स आप रख लो, ये पॉइंट्स आप दिमाग रख लो, इन्वर्जन का मीनिंग होता है पलटना, इन्वर्जन मींस पलटना होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड फिगर सुने हो फिजिक्स में, अगर फिगर सीधा है तो पलट जाएगा, उसको इन्वर्जन कहते हैं, समझे, यहाँ पे क्या हुआ, समझाते हैं जनरली सब्जेक्ट के बाद, सही है, जनरली सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है तो ये वर्ड्स अगर आ जाए इन्वर्जन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको वर्ड पहले और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, समझ गया, ज्यादा ऊपर नहीं लिखे, ओके दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई ऊपर नहीं लिखे दिख रहा है, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ठीक है, इसका वीडियो तो मिल जाएगा, परेशान क्यों, बस समझ आई बात मेरे भाई, समझ आई, जो आप क्वेश्चन देखते हैं आप पीछे से रिपीट करता हूँ, ठीक है, जो बात मैंने पढ़ाया सब आता है, एज और देन के वाली सब्जेक्ट आता है, देख ले मेरे भाई, क्वेश्चन देख, पहले टॉपिक देख, नेगेटिव एडवर्ब्स और सेंटेंस के या क्लॉज के शुरू में आरडीएस कैसे रियली बेयरली लिटिल, लिटिल मतलब ना क्या, पीयू एफईडब्ल्यू, नेवर नॉट सेल्डम अंडर नो सर्कमस्टेंसेस एट नो टाइम, ठीक है, अगर ये सेंटेंस शुरू में या क्लॉज के शुरू में होगा तो ये आपको इन्वर्जन दिलाएगा, इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, और अगर वर्ब पहले है तो हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम देखेंगे, देखो क्या मैंने लिखा कि अगर ओनली प्लस, ओनली प्लस टाइम एडवर्ब हो, ध्यान समझेंगे, अगर ओनली हो और ओनली के बाद कोई एडवर्ब हो जाए टाइम वाला, या ओनली के बाद हमारा एक प्रीपोजिशन हो जाए, और सेंटेंस के शुरू में या क्लॉज के शुरू में, तो हमारा इन्वर्जन होगा, तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इन्वर्जन, बस समझे, तो इन्वर्जन, ये आपको याद रखना है, अगर लिखा फर्स्ट क्लॉज के बाद, पहले क्लॉज के बाद अगर एज और देन हो, उसका सेकंड क्लॉज हो, तो सेकंड क्लॉज में क्या होगा, इन्वर्जन, फर्स्ट क्लॉज अगर आपका पॉजिटिव सेंस हो या अफर्मेटिव हो, और सेकंड क्लॉज के बाद, सेकंड क्लॉज जो है सो के बाद हो, अगर सो के बाद हो तो सेकंड क्लॉज में इन्वर्जन, फर्स्ट क्लॉज अगर आप नेगेटिव हो या नेगेटिव सेंस वाला हो और उसके बाद आपको नाइदर नॉर रहे तो सेकंड क्लॉज के बाद इन्वर्जन, कितना पॉइंट दिमाग रख लो, चैप्टर सर जी आज से चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर आज से शुरू करने वर्ब ला रहे, ठीक है, और टाइम एंड टेंस पढ़ाने जाएंगे, उससे पहले ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस का ट्रांसलेशन, आज से चैप्टर शुरू है, याद रखिएगा, अभी मैं चैप्टर में घुसने जा रहा हूं, आज फर्स्ट डे हुआ चैप्टर का, आज क्लास नंबर 26 है, 26 25 क्लास बेसिक हो चुके, और बेसिक का मतलब काफी है, अब मेरा सेशन शुरू हो गया, क्लास वाला क्लास शुरू हो जाएगा, इन सब पर एक एग्जांपल दो, क्वेश्चन है बाबू, परेशान मत होइए, ये आप देख लिया, अब आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं मेरे भाई, ये रहे आपके क्वेश्चंस, आपको बनाना है, ये क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड है, पढ़ाइए क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, फटाफट कीजिए, आ रहा है जैसे सारी क्लासेस चीजें पीछे वाली, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं, ट्रांसलेशन होगा, पहले बार बना देंगे, नवीन कुमार सब की एग्जांपल यहां पे, आइए क्वेश्चन देखो, आज देख लो ये मेरे भाई, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सो इमोशनल द प्रोटीशियंस फील, देखो सो इमोशनल, सो प्लस एडजेक्टिव, ये भी आपका है, अगर सो प्लस एडजेक्टिव हो सेंटेंस के शुरू में तो इन्वर्जन, सो प्लस एडजेक्टिव हो तो इन्वर्जन, इसको लिख देते हैं, नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट यहां लिखेंगे, सो प्लस एडजेक्टिव अगर है सेंटेंस के शुरू में, सो प्लस, ठीक है, सो प्लस अगर एडजेक्टिव हो, सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, ठीक है, सो प्लस एडजेक्टिव अगर है शुरू में, अगर ये शुरू में रहे तो इन्वर्जन, शुरू में रहे तो इन्वर्जन, ठीक है, शुरू में क्या सेंटेंस या क्लॉज के, सेंटेंस या क्लॉज के, सो प्लस एडजेक्टिव तो इन्वर्जन, मतलब आपको सारा क्वेश्चन स्मिथ हो जाएगा, चलिए सो प्लस एडजेक्टिव, रजन कुमार पहले ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वर्ड के बाद, पहले वर्ब चाहिए ना, अभी आप पहले वर्ब का नॉलेज चाहिए ना, आपको वर्ड पता नहीं, ट्रांसलेशन बना रहे हो, वर्ब का हिंदी बताना चाहिए ना, वर्ड चाहिए आपको, तब आप ट्रांसलेशन बनाओ, इसे मेरे को पढ़ाने दो, मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो मेरे भाई, रजन क्लास हो चुकी है, 25 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, ये जो है 25 क्लासेस हो चुकी है, जितनी जल्दी हो जाएगा मानसू, परेशान मत हो, आराम से बैठ के देखना, बहुत मजा से पढ़ाते हैं, चलो देखो मेरे क्वेश्चंस देख मेरे भाई लोग, क्वेश्चंस देखो, बहुत हो गया, देर देख लिया तू लोग, ठीक है, देर देख लिया, फटाफट क्वेश्चंस देखो, देख रहे हो, चलिए क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चंस पे आओ, देख रहे हो, चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, चलो पढ़ लिया तो पूरा का, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, पहला क्वेश्चन में हमारा ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सो इमोशनल, मेरे भाई सो जो है सो प्लस क्या है, ये इमोशनल एडजेक्टिव है, इमोशन, इमोशन नाउन होता है, अगर ए लग गया तो नाउन प्लस एल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सो इमोशनल सेंटेंस के शुरू में, अगर सो इमोशन सो प्लस, ये सो अगर सो प्लस एडजेक्टिव सेंटेंस के शुरू में हो या क्लॉज के शुरू में हो, तो उसके बाद वाला पार्ट में क्या इन्वर्जन, ये द प्रोटीशियंस अपील वॉच, देखिए वॉच जो है ना, डेट या कंजंक्शन है मेरे भाई, ये डेट या कंजंक्शन है, ठीक है, उसके बाद अलग क्लॉज होगा, ये कंजंक्शन है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, द प्रोटीशियंस अपील सब्जेक्ट है, वॉच है, ये इसका मेन वर्ब है, हमने क्या बोला कि अगर सेंटेंस के शुरू में आता है सो प्लस एडजेक्टिव है वो इन्वर्जन होगा, सो इमोशनल वॉच द प्रोटीशियंस अपील, पलटी मारेगा, वॉच को यहां रखो और द प्रोटीशियंस अपील बाद में होगा, ठीक है, वॉच को पहले रखो और आपका प्रोटीशियंस अपील बाद में होगा, ये है इन्वर्जन, ठीक है,
पास आ गई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का इनर जो पार्ट होगा किसमें, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में सही क्या होगा, सो इमोशनल वाज द प्रोटीशियंस अपील। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज कंप्लीटली नेगलिजेंट ऑफ, आपको ये भी याद रखना है कि नेगलिजेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, नेगलिजेंस ऑफ, ठीक है, नेगलिजेंस ऑफ या नेगलिजेंट ऑफ आपको याद रखना है। देखिए ही इज कंप्लीटली नेगलिजेंट ऑफ हिज स्टडीज एज, अब देखो एज दिया है और एज के बाद दूसरा क्लॉज है ही इज मोस्ट फ्रेंड्स एज हिज मोस्ट फ्रेंड्स आर, देख रहे हो, तो ही इज मोस्ट फ्रेंड्स एज जो है यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, एज जो है यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि एक कंजंक्शन ही क्या करता है दो क्लॉज को जोड़ता है, एक कंजंक्शन क्या करता है दो क्लॉज को जोड़ता है, ये कंसेप्ट हो चुका है, एक कंजंक्शन क्या होता है आपको दो क्लॉज को जोड़ता है, एज के बाद देखिए ही इज मोस्ट फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है और आर क्या है, आर हमारा वर्ब है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज के बीच में एज आ गया तो मेरा क्या होगा, अगर फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज के बीच में एज हो या देन हो टीएच है तो सेकंड क्लॉज में इन्वर्जन, ठीक है, समझ लो, तो अगर एज या देन के बाद सेकंड क्लॉज आता है तो उसमें इन्वर्जन, मैं क्या करूंगा एज हिज मोस्ट फ्रेंड्स आर नहीं होगा पलटी एज आर, यहां आर हो जाएगा, एज आर हिज मोस्ट फ्रेंड्स पलटी मारो, एरर पार्ट होगा, एज आर हिज मोस्ट फ्रेंड्स ये तकलीफ, एज आर हिज मोस्ट फ्रेंड्स ये तकलीफ, एज आर हिज मोस्ट फ्रेंड्स ये दिक्कत है, बात समझ में आ गई, इन्हीं को दिक्कत है बोलो, इन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए भाई साहब, एज हिज मोस्ट फ्रेंड्स ये तकलीफ है तो बोलो, ठीक है, चलिए कैसे पहचानेंगे इन्वर्जन, अबे यार यही तो नियम पीछे बताया ना इन्वर्जन है, रट्टा मारो प्रकाश पीछे वाली चीज जो है, अजीब बात करते हो, कैसे पहचानेंगे, अरे मेरे भाई आगे मैंने लिखा नियम, नियम क्या लिखा, नहीं लिखा नियम कि इन्वर्जन के लिए कंडीशन है, नहीं लिखा नियम, यार गजब बात करते हो, पूरा कहानी बना दिए, पूछ रहा है कि सीता कौन है, पूरा कहानी बना दिया, बोला कि सीता कौन, ले ये तो हमारे बोलता ले लोटा, सही ना गायब हो गया, पूरा पढ़ने का ले लोटा, मतलब बस समझे, अरे पिछले क्लास में पढ़ाया, लास्ट लास्ट में जाया तो एडवर्ब पे पढ़ा गया था कि नेगेटिव एडवर्ब्स होता है, ठीक है, ये क्या करता है, मैंने बताया था कहानी उसमें, वो आपको क्या करता है कि पलटी मार देता है सब्जेक्ट को, बाद में कह देता है वर्ब पलट जाता है, या भाई ठीक है, ये जान लो अच्छी तरह से, बस समझ आई, सीजीएल में क्वेश्चन निकल आता है नवीन कुमार, ये लोग ऐसे पूछता है ना जैसे हमको लगता है कि एग्जाम के बारे में पता नहीं है, अबे नवीन कुमार मैं पढ़ा रहा हूं पागल हो गया, अरे चुप रहिए, सीजीएल में कितना क्वेश्चन आ रहा है बकलोला के सारे एग्जाम में आता है वर्जन से, बोलता है सीजीएल में कितना क्वेश्चन आता है, अबे यार इसे क्वेश्चन हमेशा आया, क्या देखना एग्जाम देखो अपना, कितना प्रैक्टिस बनाओ, कितना प्रैक्टिस बनाओ, दोबारा आओ चुपचाप सुधार कर लो, टैब निकल लो, चलो अजीब अजीब बात करता है, बड़े गली क्या नहीं चले मूड आ गया, सही है, पढ़ना लिखना किसी को नहीं चलेगा मूड आ गया, सैटरडे कुछ नहीं सुधर लेंगे, सैटरडे सुधर लेंगे क्लास ना करेंगे, बेवजह सकेंगे, कल वर्ड क्लास या परसों वर्ड क्लास या गाय बच्चा गाय गाय तो भाई सैटरडे सैटरडे पढ़ेंगे, बस बस वही नाम वाला ऐसे, चलो देखो इतना बेवजह सब, चलो ध्यान दो, ठीक है ये जान लो प्राइवेट ग्रुप बना देंगे, परेशान मत हो, ग्रुप बनाने से क्या होता है, ग्रुप बनाने से क्या होगा, भाई ग्रुप बना के प्राइवेट पढ़ लोगे क्या, जो पढ़ा रहे हो तो बुझा नहीं रहा है, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए डेडिकेशन चाहिए, अगर वीडियो में पढ़ाया ना तो देखो उसका नोट्स बनाओ, याद होना चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे करो, चलिए देखिए इज कंप्लीटली नेगलिजेंट ऑफ हिज स्टडीज एज हिज मोस्ट फ्रेंड्स आर, मैंने नियम लिखा मैंने बताया तो भाई कि मेरे भाई ये आपको कंडीशंस है इसको याद कर लो, नेगेटिव एडवर्ब्स होगा शुरू में सेंटेंस के या क्लॉज में तो उस पार्ट में उसके बाद क्या इन्वर्जन होगा, वर्ब बोलेगा सब्जेक्ट पार्ट में होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब बोले उसका सब्जेक्ट उसका मेन वर्ब, या मैंने बोला भाई ये सब याद कर ले कि ओनली प्लस कोई टाइम एडवर्ब हो जाए, ठीक है, ओनली प्लस टाइम जैसे ओनली वंस, ठीक है, इसके लिए ओनली वंस होता है एग्जांपल दे देंगे, या अगर आपका प्रीपोजिशन जैसे ओनली बाय ये सेंटेंस शुरू में आ जाए तब इन्वर्जन, फर्स्ट क्लॉज के बाद एज और देन होगा, क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट क्लॉज के बाद एज और देन है और सेकंड क्लॉज में उसमें इन्वर्जन, फर्स्ट क्लॉज में अगर पॉजिटिव है पहला क्लॉज पॉजिटिव है अफर्मेटिव है बीच में सो आ गया तो सो क्या सेकंड क्लॉज में उसमें इन्वर्जन, ये कंडीशन काम करेगा, फर्स्ट क्लॉज नेगेटिव वाला है सेकंड क्लॉज से पहले नाइट और नॉट हो तो सेकंड क्लॉज इन्वर्जन, सो प्लस एडजेक्टिव अगर सेंटेंस शुरू में या सो प्लस एडवर्ब तब इन्वर्जन, क्या है मेरे भाई पीडीएफ मैंने डाल दिया, गुलशन कुमार पीडीएफ डाल गया, पीडीएफ जो है आपको डाला हुआ है, ठीक है, खोलते तो नहीं दिन भर यूट्यूब घुमाते रहते हो, दिन भर क्या करोगे तो नेतागिरी वाला बात देखोगे, दिन भर क्या करोगे तो भाई फिल्मी वाला बात करोगे, खोल रहे पीडीएफ डाला हुआ है, देखो खोल के पीडीएफ आपको वर्ब का और आपका वर्ड का डाल दिया गया, प्रीमियरी टेक्स्ट वर्ड का देखो खोल के दिया, वर्ड कंसेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी वो डाला हुआ है और साथ में वर्ड भी वर्ड डाला हुआ है, प्रीमियरी टेस्ट प्रीमियरी वर्ड देखा तो है नहीं, ठीक है, चलिए रजत वर्ब का पीडीएफ डाला हुआ देखा चेक किया, चलिए आओ उठा के पीएफपी पढ़ाओ सर, चलो दूसरा दिलाते हो पीएफपी पढ़ा, चलिए क्वेश्चन देख, तो आप देखें पीछे कंडीशन से देख भाई मेरे पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है, आपने तो चेक किया नहीं, आते आते क्वेश्चन पूछ दिया कि सर पीडीएफ कहां है, अबे बकलोल जब चेक करना आया तो पहले चेक कर लिया करो कि पीडीएफ डाला गया कि नहीं, जब मैंने बोला कि पीडीएफ तैयार है ऑलरेडी मंडे को मिल जाएगा, सही है नहीं है कैसे, मैंने को पता कि पीडीएफ मेरे पास है नहीं है, दिखा दे पीडीएफ जाकर देखो उसमें पीडीएफ है कि नहीं, निशा चौहान जी एमपी कांसेप्ट वालों से बोलो जो नंबर है एमपी कांसेप्ट का उनको बोलो नोटिफिकेशन नहीं आती है, मुझे ना बोलो एमपी कांसेप्ट वालों को बोलो कि सर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आती है, और कौन बंदा बोला कि पीडीएफ नहीं है, दिखा दो मैं अपने मोबाइल में दिखाता हूं, अबे यार खोलो जैसे बैठ जाओगे मैं बैच में जाओगे यू तो बैच होगे, ठीक है, 12 बजे देखोगे कहां 6 बजे देख सकते हो, चलिए देखिए क्लास में रहना जाता है तू लोग तक क्लास में रहता क्लास ऑफ गो सही ना, अब आएंगे चलो आगे, तो ये आपको देखो ही इज कंप्लीटली नेगलिजेंट ऑफ हिज स्टडीज, अब देखो क्या है भाई ये एज हुआ तो ही क्या होगा मोस्ट फ्रेंड्स आर नहीं आर हिज मोस्ट फ्रेंड्स, ओके अगला वी आर मोर मेंटली इनस्टेबल, ओके फर्स्ट पार्ट है, देन फिर देखो बीच में देन आ गया आवर एंसेस्टर्स वेयर या वर, देखो देन के पहले एक अलग क्लॉज है, देन के बाद आवर एंसेस्टर सब्जेक्ट है और वेयर जो है इसका वर्ब वो तो मेन वर्ब, हमने बोला कि अगर देन से पहले एक क्लॉज हो देन के बाद क्लॉज हो तो देन के बाद वाला क्लॉज में इन्वर्जन होगा, ये पार्ट जो है एंसेस्टर्स वेयर नहीं होगा देन वेयर क्या होगा देन वेयर आवर एंसेस्टर्स पलट दो, ठीक है ये जो ना इसको पलट दो, समझे बस समझ में आ गया ना, ये ध्यान सुनो एक ही बात यूज मत करो प्राइवेट ग्रुप बना दे यार तूने मैसेंजर भी किया फिर यहां भी कर रहे हो क्या मजाक है, समझ नहीं आता, अरे मैं पप्पू तो नहीं हूँ भाई मैं राहुल गांधी हूँ ये के बाद बोल लो और मुझे ना बुझाता है, अरे मैं पप्पू नहीं भाई मैं आदमी हूँ मैं टीचर भी हूँ समझो दिमाग ठीक ठाक है मेरी एक बात को एक बार बोलो समझ आ जाता है मैं चैटिंग कर देता हूँ ये नहीं 10 बार की बात, ठीक है देन वेयर ठीक है देन वर आवर एंसेस्टर्स, ओके नेक्स्ट है हमारा माय फ्रेंड इसे आपका किस पार्ट में सी पार्ट मेरर माय फ्रेंड नेवर मिसेस एनी क्लासेस ये फर्स्ट लॉज एंड यहाँ पे एंड भी आपका क्या कंजंक्शन है एंड सो और सो के बाद एंड सो आई डू फिर यहाँ गलती है क्यों गलती है यहाँ एरर इस पार्ट में क्यों क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट जैसा है ठीक है पॉजिटिव नहीं भी है उससे कोई लेना देना नहीं है वो नेगेटिव भी है नेवर के वजह से नेगेटिव हो सकता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ये आपका ध्यान रहेगा ये पार्ट कर दिया है और बाद वाला पार्ट सो दिया है तो यहाँ पे भी आपका इन्वर्जन होगा सो डू आई समझ लो सैटरडे संडे मैं वैसा पढ़ाता हूँ ठीक है मैं वैसा पढ़ाता हूँ जब मैं प्रेजेंट हूँ तो पढ़ाऊंगा ठीक है तो हमको रोके हुए लोग मैं तो सुबह पढ़ाता हूँ मेरा बस चले तो इसे पैसा मत चले देगा माय फ्रेंड नेवर मिसेस एनी क्लासेस एंड सो आई डू आपको मैंने बोला कि सो अगर पीछे भी आपका क्लॉज रहा जनरली बोला था कि अफर्मेटिव पार्ट होना चाहिए कोई इशू नहीं है अगर आपने नेवर दिया तो नेगेटिव सेंस लग रहा है लेकिन नेगेटिव अगर सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लिए नेगेटिव एडवर्ब जैसे नॉट आना चाहिए ठीक है तो ये आपका क्या होगा सो के बाद डू होगा यस सो डू आई हो गया ये चार क्वेश्चन इन्हें कोई दिक्कत है अगर दिक्कत है या नहीं है तो आप एक टाइप कर लो एमजी गुस्सा मेरा जायज है ठीक है आप खुद अपने आपसे पूछो क्या पढ़े हो दो दिन की बात है और क्या आयो जो बच्चे पढ़े मैंने वर्जन पढ़ाया था खुद पूछो अपने से हमेशा प्यार से ही पढ़ाएंगे डांटेगा कौन चल देख
डाटा भी मेरा काम है, मैं डाटा बजाने आएगा, कभी बजा लेने के डाटा पड़ता है, समझे, बजा लेने के डाटा पड़ता है, इसलिए डाटा भी जरूरी है। टाइम एडवर्ब हो जाए, ओनली प्लस टाइम एडवर्ब हो तो उसके बाद क्या होगा, प्लस इन्वर्जन होता है, आपको बोला ना, ये पॉइंट नोट करो।
अब देखो कहां लिखा है यार, लिखा है वंस ओनली, उल्टा लिखा है मेरे भाई, ये वंस ओनली नहीं होता, ये तो गलत है, ठीक है। यहां देखो इन्वर्जन कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये एलपी वर्ब है, और उसके बाद आपका मेन वर्ब इन्वर्जन लगा दिया। देखो इन्वर्जन है ना यहां पे, जबकि वंस ओनली नहीं होता, ठीक है। हां भाई रियलाइज आईएसई भी होता है और आईजेड भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। जो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें एसई लगाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में जेड लगाते हैं, कोई इशू नहीं है। चल देख, अब देखो ओनली वंस तो ठीक है, देखा ये ओनली वंस तो सही है, ओनली प्लस टाइम डिड सी गिव वे टू इमोशंस, देखो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें एक आपको हर का मामला है, देखो हर वे या उसको देखेंगे। अगर दिया ओनली, देखो ओनली वंस डिड, अब देखो ओनली वंस तो दिया यहां पे, ओनली वंस दे दिया लेकिन इन्वर्जन नहीं लगा, इसलिए गलत हो गया। इसमें इन्वर्जन होना चाहिए था, इस पार्ट में इन्वर्जन होना चाहिए था, नहीं लगाया। देखिए आपका देखो वंस ओनली, ठीक है, वंस ओनली दे दिया, जबकि आपको वंस ओनली नहीं होता, उल्टा होना चाहिए, ठीक है, ओनली वंस। और लास्ट में दिया क्या, नो इंप्रूवमेंट, तो ये भी गलत है। आपका मिला जुला के जो आंसर है वो आपका एक नंबर ही सही है, ठीक है, ए नंबर ही सही है, आपका नंबर जो है ए नंबर ही सही है। क्यों, क्योंकि हर को ना देखेंगे, अब हम हर को ना देखेंगे, वंस ओनली नहीं, ओनली प्लस टाइम है, उल्टा है, ओनली के बाद वंस होना चाहिए, समझे, ओनली के बाद होना चाहिए। देख लो सपना गलत है तुम्हारा, सपना नहीं सही है तुम्हारा, पहले सी मारती है फिर ए मारती है, ठीक है, बस मारो ना ओनली वंस लगा के हर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर नहीं भी तो कोई इशू नहीं है, जो है मेरे पास ऑप्शन उसी को मारोगे, एग्जाम में होता है कि जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी को करते हैं। एक बार और सर, देखो बच्चे क्या है ना कि ओनली वंस हमने बताया कि पहले बात है कि ओनली प्लस टाइम है, तो ओनली तो होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, टाइम टाइम का क्या वंस है, तो ये वंस ओनली करके इन्वर्जन लगा दिया, डीड सी गिव, देखो एलपी वर्ब सब्जेक्ट मेंबर, जबकि इसको होना चाहिए ओनली वंस, आपको पता है ओनली वंस डीड सी गिव इन्वर्जन सही है, ओनली वंस दिया लेकिन इन्वर्जन या नहीं है, देखो इन्वर्जन नहीं है, या वंस ओनली करके इसलिए गलत हो गया, वंस ओनली नहीं, हमें वंस ओनली नहीं लगा, क्योंकि यहां इन्वर्जन लगा हुआ है, अगर ये इन्वर्जन लगाया हुआ है, यहां भी इन्वर्जन लगा दिया है, तो इसको होना चाहिए पलट के, बस समझे, बात समझ आ गया, कोई दिक्कत, ये सही है कि नहीं, इसको बताओ, ये आपको समझ आ गया, ये समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले ले मेरे भाई लोग, सर रूल दिखा दो, क्या रूल का पीडीएफ मिल जाएगा वाला खेल, सही है, पहले वाला एग्जांपल में डेटा कांसेप्ट नहीं समझे, अबे मेरे भाई देख, अगर तुमको ऐसा लिखा ना कि ही रियलाइज्ड, अगर इसको इन्वर्जन करके लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, डीड पहले ले लेंगे, ही का ही लिखेंगे, और देखो ये रियलाइज हो जाएगा, क्यों, चाहे रियलाइज ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, बी वन बोलो क्यों, रीजन सीखो, ये डीड अगर वी टू को रिप्रेजेंट कर दिया तो दो वी टू नहीं आता, तब ये बी वन हो जाएगा, देखो ये बी वन हो गया, समझे, ये आपको वी टू एलपी वर्ब के रूप में ये वी टू को रिप्रेजेंट करता है, दो वी टू एक साथ नहीं होता है, समझा, ठीक है। अबे यार रीता बदान को लोकेशन की पीडीएफ ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है, कोलोकेशन जो पीडीएफ है ना ऑलरेडी डाली हुई है, समझो रीता बदान जो है आपको कोलोकेशन का पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ होगा, देख लीजिएगा, जो आपको हमने यूट्यूब पे पढ़ाया था, अगर नहीं मिला है तो फिर आप मांगो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सराना बोला कि सी में ओनली वंस हटा दो, अबे यार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हटाने का क्वेश्चन नहीं होता है, ये कॉमन एरर नहीं है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो दिया है ऑप्शन उसी से करना होता है, अपना दिमाग मत लगाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको तीन ऑप्शन दिया गया, अगर सेंटेंस दिया हुआ अगर सही है तो सही कर दो, नो इंप्रूवमेंट, अगर गलत है तो वो जो तीन ऑप्शन है ना एबीसी उसी में चूज करके देना, समझे, हटाने का धंधा मत करना, कॉमन एरर बना रहे हो, कॉमन एरर बना रहे हो क्या, चल देख लो ये क्या लिखा मैंने, अगर ही रियलाइज दिया है तो इसको लिखेंगे डीड रियलाइज, अगर कहीं लिखा हुआ है ही हैज रियलाइज्ड, ठीक है, ही हैज रियलाइज्ड, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर इंट्रोगेटिव करना, तो ये लिखेंगे मेरे भाई हैज ही रियलाइज्ड, क्योंकि हैज के साथ फॉर्म होता है, यहां हैज ही रियलाइज्ड नहीं होगा, बस समझे, ये ऐसे ही होता है इंट्रोगेटिव में, बस समझो ना, इंट्रोगेटिव कर दो ना, तो इन्वर्जन करने का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव है, क्लास के ऊपर टॉपिक का नाम लिखवा दीजिए, अबे यार क्लास के ऊपर टॉपिक का नाम लिखवा दीजिए, क्लास के ऊपर क्लास का टॉपिक मैं लिख देता हूं, आज जो है वर्ब एंड कांसेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन यार वर्ड जो क्वेश्चंस है वो कभी आएंगे उसमें घुसेंगे, क्लास बहुत है, हाफ एन आवर है, वर्ब पे घुसेंगे, परेशान मत हो, टॉपिक का नाम लिखवा देंगे, सही है, बस समझे, सर एक डंडा रखा करो, जो लो फालतू, हां सही बोल रहे हो, एक डंडा रखना पड़ेगा, तो ये इन्वर्जन है मेरे भाई, इसी बात जो इंट्रोगेटिव बनाते हो वही इन्वर्जन इफेक्ट, सही है, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि सपोज करो द एक्यूज विल गेट, है ना, द एक्यूज यानी क्या, दोषी विल गेट, अगर ये लिखा हुआ है विल गेट, अगर ऐसा दिया हुआ है विल गेट, तो इसको क्या करें, इन्वर्जन करेंगे हम, क्या करें बताइए, इसका इसका इन्वर्जन कैसे करोगे, इसका इन्वर्जन नहीं करोगे, लिखो क्या, द एक्यूज विल गेट, विल द एक्यूज्ड, ठीक है, विल द एक्यूज गेट, यही होगा मेरा, और क्या होगा, ये इन्वर्जन भी होता है, और क्वेश्चन मार्क करते हैं जब इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क की बात है ना, हां सारा अपना कैमरा फरवाना चाह रहा, चल आगे देखो, या अगर कहीं लिखा है ही, देखो ही कैन गेट, ही कैन गेट सक्सेस, अगर इसकी इन्वर्जन लिखनी होगी तो क्या लिखोगे भाई, इसकी इन्वर्जन क्या लिखोगे, आपको लिखना होगा कैन, इसका इन्वर्जन देखो क्या लिखते हैं, इसका इन्वर्जन क्या लिखो, कैन ही, तो क्या लिख दिया, कैन ही गेट सक्सेस, ये जो इन्वर्जन है ना, इनफैक्ट इंट्रोगेटिव है, ये समझो इंट्रोगेटिव, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं करना, क्वेश्चन मार्क नहीं देना, लेकिन ऐसे हमने क्या लिखा, ऐसे कैन ही गेट, कैन ही गेट, सिंपल, बस समझ आ गया, जो चीनियस है वो शांत रहेगा, यस चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए, आगे देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, नो एरर का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये चेक क्वेश्चन फर्स्ट नहीं, इसको 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 एंड 12 होगा, देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है, सेल्डम 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 नेचर डज ऑपरेट, सेल्डम नेचर, देखिए आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सेल्डम नेचर ऑपरेट्स, नेचर ऑपरेट्स इन क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड एंड देखिए क्लोज्ड एंड डैश एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स, अब देख मेरे भाई अगर ये दिया ना आपको बताना है इसमें एरर किस पार्ट में, ठीक है, एरर पार्ट बताना है, ये रहा मेरा फर्स्ट ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट हमारा ये रहा, ठीक है, ए पार्ट, अगला इन क्लोज्ड, ठीक है, एंड सेपरेट, याद है बी पार्ट, कंपार्टमेंट सी पार्ट, और लास्ट में एनी नो एरर, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नो सुनर, देखो नो सुनर ये भी सेंटेंस के शुरू में होगा, दो इन्वर्जन नेगेटिव है, नेगेटिव, नो सुनर सी हैड, देखो नो सुनर सी हैड रियलाइज, जैसे हार्डली स्कार्सली रियरली बेयरली होता है ना, उसी तरह नो सुनर को भी लीजिएगा वहां पे, नो सुनर, ठीक है, ये सी हैड रियलाइज ब्लंडर, ब्लंडर मींस ना बड़ा मिस्टेक, ठीक है, ब्लंडर बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर, देखिए नो सुनर का पेयर होता है देन सी बिगेन, बिगेन टू, ठीक है, टेक करेक्टिव मेजर्स, कदम मेजर्स, और लास्ट में एनी, आपको बताना है मेरे भाई कि यहां पे, ठीक है, किस पार्ट में हो रहा है या किस पार्ट में एरर है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, ए पार्ट, ये हमारा बी पार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा बी पार्ट हुआ, और ये सी बिगेन टू, ये हमारा सी पार्ट हुआ, और लास्ट हमारा डी पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको देखिए ध्यान से, जैसा क्वेश्चन नंबर 14,
अगला क्वेश्चन है कि आई ठीक है आई हैव नॉट बीन आई हैव नॉट बीन सही है टू न्यूयॉर्क आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क ठीक है आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क क्वेश्चन ऐसा है आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क एंड सही है एंड या कॉमा कर लेते हैं कॉमा नाइदर ठीक है नाइदर माय सिस्टर नाइदर माय सिस्टर मैंने ऐसा लिख दिया ठीक है नाइदर माय सिस्टर ये क्वेश्चन रहा आपका और लास्ट पार्ट में एनी है ठीक है और ये पार्ट में ऐसे देता हूँ आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क ये पार्ट है मेरे भाई ठीक है नाइदर सही है नाइदर माय सिस्टर ये सी पार्ट है तो ए पार्ट में इसको खत्म करना होगा ठीक है ये आपका ए पार्ट हुआ ये आपका टू न्यूयॉर्क ये हमारा बी पार्ट हुआ ये बी पार्ट है और ये आपका डी पार्ट है ये क्वेश्चन 14 में आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा उसका हमारा सेशन शुरू हो जाएगा वर्क का लास्ट क्वेश्चन है वर्क शुरू हो जाएगा समझ लो इसका हमारा वर्क का सेशन शुरू हो जाएगा याद रखिएगा इसके बाद वर्क का सेशन शुरू करेंगे अगला एक क्वेश्चन बहुत सिंपल ही देते हैं ही इज नॉट ठीक है इज नॉट एन आर्टिस्ट इज नॉट एन आर्टिस्ट इज नॉट एन आर्टिस्ट कॉमा नॉर ठीक है नॉर नॉर ही इज नॉर ही इज अ म्यूजिशियन क्वेश्चन ये है हमारा भाई ठीक है और लास्ट में एनी दे देते हैं और आपको बताना होगा कि एरर पार्ट कौन पड़े जैसे ही ठीक है ही इज नॉट एन आर्टिस्ट ए पार्ट नॉर दिया ठीक है नॉर ही इज दिया ये बी पार्ट और ए म्यूजिशियन ये सी पार्ट और ये हमारा डी पार्ट आपको बताना है लीजिए ये हमारा आपको बताना है मेरे भाई बताइए आप लोग को बताना है एरर किस पार्ट में आ जाओ आ गया ये क्वेश्चन थे आपके बताइए आपको 12 नंबर 13 नंबर ठीक है 14 नंबर एंड 15 नंबर यानी 15 नंबर आइए आप लोग बताइए जल्दी अरे वो तो बना लिया गुड ग्रेट सेपरेट की स्पेलिंग सर हाँ स्पेलिंग का ठीक कर ले गुड 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 अरे कभी कभी होते हैं बड़े बड़े सर छोटी छोटी बातें होती रहती है ठीक है चलो मेरे भाई ले सेपरेट की स्पेलिंग ठीक कर देने की ले 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 ठीक है हो गया सेपरेट तो ये आपका ध्यान देने का बात है ठीक है ये आपका बेहतरीन है और इसको आपको ठीक कर देना है ठीक है और आपका जो भी है ना जो भी लोग हैं आप इसको इसी अंदाज से करो क्वेश्चन सुनाओ फटाफट नहीं दिक्कत फटाफट क्वेश्चन सुनाओ तब मजा है वरना नहीं चलिए शुरू हो जाए चलते हैं क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल है सेल्डम नेचर ऑपरेट्स अब देखो ये क्वेश्चन मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा सेल्डम नेचर ऑपरेट्स सेल्डम हमारा नेगेटिव है ना नेगेटिव एडवर्ब तो अगर शुरू में आएगा तो इनवर्जन होगा यहां सब्जेक्ट कौन है ये सब्जेक्ट है और ये आपका बी5 है मेन वर्ब है शिवम जहां तुमको बताना है शिवम जहां तुमको बताना है कि यहां पे इनवर्जन करेंगे तो क्या लिखेंगे फटाक से कमेंट करिएगा शिवम जहां जिसको इनवर्जन करने नहीं आता सेल्डम नेचर ऑपरेट्स अगर नेचर सब्जेक्ट है और ऑपरेट्स अगर बी5 है तो इस नेचर ऑपरेट्स को इनवर्जन करेंगे तो क्या लिखेंगे फटाक से कमेंट करना शिवम जहां आपको लिखना कि नेचर ऑपरेट्स को अगर लिखना हो इनवर्जन करके तो क्या लिखेंगे नेचर ऑपरेट्स को अगर इनवर्जन करके लिखना है तो क्या लिखेंगे नेचर ऑपरेट्स को अगर इनवर्जन करके लिखना है तो क्या लिखेंगे शिवम जहां नेचर ऑपरेट्स को अगर हमको लिखना हो नेचर ऑपरेट्स को अगर लिखना हो इनवर्जन करके तो क्या लिखेंगे सही ना मैक्सिमम का गलत कर रहा है नेचर ऑपरेट्स को अगर इनवर्जन करना है मतलब इसको इंटीग्रेटिव करना है ये भाई 5 है बी5 को हम इंटीग्रेटिव कैसे करते हैं डज डज के बाद होगा नेचर डज नेचर ऑपरेट होगा बस समझ लो डज नेचर ऑपरेट होगा उल्टा पुल्टा करता है तो जैसे अगर ही रियलाइज है तो इसका क्या हुआ डी डी रियलाइज हुआ क्या गजब बच्चे हो तुम लोग एक गलती किया था मैं देख लिया था जो गलती किया था मैं देख लिया था समझे जो जो बच्चे थे मैंने देख लिया था और हिसाब का सही है शिवम जहां अभी तक जवाब नहीं दियो ठीक है सुशांत साहब तुमने सुशील गलती किया था नाम सुशील और सुशांत साहब सही है देख तो आपको मैंने वही यहां लिख दिया चलो आगे देखो हमारा ये जो होगा ये बन जाएगा क्या सेल्डम डज हो जाएगा मेरे भाई सेल्डम डज नेचर ऑपरेट सेल्डम डज नेचर ऑपरेट ये मेरे भाई होगा बात समझे क्योंकि अगर बी5 है तो इसको जब लिखना होता है ना अब देखो डज फिर सब्जेक्ट तब मेरे पर अगला है कि नो सुनर अगर नो सुनर है तो वो भी इनवर्जन लेता है तो हमारा जो रूल था उस रूल को देखो जो हमारा रूल था क्या कहता था जो हमने रूल लिखे थे उस रूल में इसे भी जोड़ लें ठीक है इसे भी जोड़ना है इसे जोड़ना है तो देखो रूल में इसे भी जोड़ना है रूल जो है हमारा उसमें इसे भी जोड़े हार्डली स्कार्सली रेयरली वेयरली और साथ में नेवर कर दिया है तो नो सुनर भी सेंटेंस में है तो नो सुनर अगर रहा तो इनवर्जन होगा ठीक है इसे भी जोड़ के रखें आप इन्हें कोई दिक्कत ये याद रखेंगे आप लोग सभी लोग तो आप देखो मेरा इस टाइप अगर ऐसा दिया हुआ है और ये रहा तो ये आपका नो सुनर वाले पार्ट में नो सुनर सी हैड रियलाइज तो नो सुनर सी हैड रियलाइज नहीं होगा यहाँ इनवर्जन होगा क्या बनेगा नो सुनर हैड सी रियलाइज यहाँ तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है दोनों है ठीक है नो सुनर हैड सी रियलाइज ए पार्ट मेरर आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है और सेकंड पार्ट जो है वो नाइदर से शुरू है नाइदर माय सिस्टर बस इतना ही छोड़ दिया जो कि आपका गलत समझे जो कि आपका गलत है नाइदर जैसे अगर ये हैव दिया है तो माय सिस्टर के साथ क्या लगता है माय सिस्टर के साथ हैज लगेगा या आपका क्या लगेगा वो सोचना होगा तो नाइदर इस पार्ट में होना चाहिए था नाइदर हैज सही है नाइदर हैज माय सिस्टर ठीक है यहाँ होना चाहिए था नाइदर हैज माय सिस्टर अगला दिया ही इज नॉट एन आर्टिस्ट फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है तो नॉर ही इज नहीं होगा इसको पलटी मरवा देना है नॉर इज ही पलट कर लेना है पलटी मरवा देना है नॉर इज ही ठीक है समझ आ गया बात रजनीकांत बोला 13 नंबर में देन है तो इनवर्जन नहीं हुआ 13 नंबर में अबे भाई ये जो देन दिया ना ये जो है ये पेयर होता है नो सुनर का इस पार्ट में इनवर्जन नहीं होता है जैसे हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली का पेयर होता है हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली का पेयर होता है नो सुनर का पेयर होता है आपका क्या देन टीएचए तो यहां पे शुरू में इनवर्जन लग जाता है एक ही पार्ट में ठीक है बस समझे हो गया ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं एक बार आप लोग लिख दो एमजी सही ना ऐसे नाम रख दियो एमजी सुल्तान मैंने डाउट से बना दिया ठीक है एफजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल है ना एफजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल बस ये करना मत बिफोर को भूल जाओ बिफोर आता भी नहीं आरएस का सीरियल वेरी के साथ बिफोर मिलेगा भी नहीं हमेशा वेरी मिलता होता है ठीक है बस समझो तो हमने बना दिया एफजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल है ना आप लोग के लिए बना दिया तो एफजी सुल्तान डाउट सेल आप लोग जो लोग टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम में आपको लिखना है एमजी एम कैपिटल में एफजी सुल्तान सब सटा एफजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल जाके ज्वाइन कर लो ठीक है अभी पब्लिक बना हुआ है लेकिन कुछ दिन के बाद उसको प्राइवेट कुछ दिन के आज रात में प्राइवेट कर रहे तुम लोग का वेट कर रहे थे क्योंकि जैसे ही प्राइवेट करते हैं तो लिंक भेजना पड़ेगा ठीक है व्यूज जैसे उसको प्राइवेट करते हैं तो लिंक भेजना पड़ता है बस समझो तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना क्या टेलीग्राम चैनल एम टी सुल्तान डाउट इंग्लिश डाउट सेल एपी पर है सर सुशील कुमार पंकज के नाम से ऑफिसर पटना हाई कोर्ट ठीक है आप जाकर देखें सुशील कुमार पंकज ऑफिसर पटना हाई कोर्ट एपी पर है तो आपको दिख गया होगा समझे वर्ड की बताइए या रैंक सर क्वेश्चंस चलो ये हो गया एम टी सुल्तान किंग ऑफ एम टी मेंबर ओ चलिए ये बात हो गई ऐप क्या बोला व्हाट्सएप ऐप बना दो
WhatsApp बनाते हैं अब ये बना पढ़ाई का जीरो ये बना दो ये ग्रुप बना दो अरे पढ़ लिया ठीक है ये ग्रुप बना दिया चैट काफी है ग्रुप पे ग्रुप खेलते रह जाएंगे तो कर ले अरे देखो सब चीज अब आते हैं हम लोग पहले पीडीएफ तो कर लो क्या बैठ के तुम लोग पीडीएफ निकाल लेना वर्ग का एफडीए पे जाओ पीछे जाओ और पीडीएफ वर्ग का पीडीएफ निकाल लो शुरू का वर्ग भी पीडीएफ निकाल लो सभी लोग पीडीएफ निकाल लो पीडीएफ है आपका जैकेट लेदर है क्या अबे यार पोकटिया जैकेट है पोकटिया ₹500 का जैकेट ₹500 का ही पोकटिया है समझे लेदर का है ना तुमको दे देंगे हां पॉसिबल है यार क्लास के साथ क्यों नहीं पॉसिबल बैठ जाओ और आजा नहीं यार कोई दिक्कत नहीं क्लास के साथ नहीं पॉसिबल छोड़ दो ठीक है टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है एमजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल समझे एमजी सुल्तान नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं जैकेट दे दीजिए ले खोलते बोल रहे लोगे दे देंगे समझे आना देंगे दक्षिणा में दे देंगे दक्षिणा में ठीक है चलिए ये तो सेशन खत्म हो गया सारा ठीक है आज का सेशन इतना ही हमारा लेकिन आज का सेशन काफी अच्छा सेशन था और आप लोगों को बता दें ये सेशन जिन लोगों ने नहीं किया अगर ये सेशन जिन लोगों ने नहीं किया ठीक है ये सेशन जिन लोगों ने नहीं किया बहुत बड़ा गलती किया ठीक है ये सेशन जिन लोगों ने नहीं किया है मेरे भाई ये बहुत बड़ा गलती किया मेरे तरफ से अगर आपने ये सेशन नहीं किया है बड़ी दिख जाएगी सर निकाल लिया सर मुझे तो एमजी टी शर्ट चाहिए प्लीज आपकी एमजी टी शर्ट अब यार एमजी टी शर्ट मेरे पास तो है ही नहीं तुमको कहां दे दूं सर से मांगो सबको बोलेंगे सर मेरे को एक टी शर्ट दे दो ठीक है चलिए भाई हो गया अब कहानी सुना जो आपने दे दिया ये पीडीएफ आपका सेव हो चुका है अब हमारा जो कहानी है उसी को देखें ठीक है तो हम लोग चलते हैं कहां वापस हम लोग चलेंगे देखते हैं बैक देखिए हमारा सेशन अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसकी भी पीडीएफ बन गई है देखो अभी जो मैंने बनाया ना उसकी पीडीएफ बन गई है देखो कैसे पीडीएफ बनती है देखो बनाया पीडीएफ है ना देखो जो मैंने बनाया उसकी पीडीएफ है देखो लाफी में क्या बनाया उसकी पीडीएफ है देखो ना ये पीडीएफ बन गई ये पीडीएफ आपको मिल जाती है और अभी हमको जो बनाना है वो क्या है मेरे भाई वो ये ठीक है अभी हमें बनाना क्या है ले जी ठीक है तो आगे हमारा सेशन ये देखो क्या है ठीक है ये हमारा टॉपिक आज है ये आपको देख लो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा अभी देख लेते हैं सबको तो देख लेना दिख रहा है या नहीं दिख रहा बताओ ये देखिए मेरा टॉपिक है वर्ब ठीक है आज हो गया आपका सेशन शुरू हो गया ठीक है ब्लैक बोर्ड ये आपका सेशन शुरू हो गया थोड़ा सा इसको हमने कल ब्लैक इन कर देंगे विजिबल ओके दिख रहा है दिख रहा है सर ओके देखो मैंने क्या लिखा हुआ ये आपका सारा पीडीएफ आपको डाला हुआ है जबकि मैंने ये सभी चीजें तो शुरुआती दौर में भी मैंने पढ़ा दिया है लेकिन एक खुदा के सेशन के तौर पे इसको देखो अभी हाफ एन आवर है मेरे पास अब तो जाना नहीं लेकिन मैं स्पीड देना कितना मजा आएगा तुम्हारा गियर चेंज हो चुका है जो 25 क्लास नहीं की हो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी दो दिन क्लास मतलब बोल रहे छोटा टॉपिक है लॉलीपॉप टॉपिक है तब तक मेकअप कर लो क्योंकि वो 25 क्लास जो है आपका जान है जान ठीक है इंग्लिश का जान कंपटीशन का जान है और उसको भी आप कंट्रोल करोगे ना तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन देने में ठीक है चलिए तो आपका जो है ना ये याद रखिएगा सुबह ठीक है तो देखिए क्या है मेरा कहना है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो ठीक है अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि पूरे इंग्लिश का कोई अगर जान है तो उसका नाम है क्या वर्ब किसी भी लैंग्वेज का अगर जान है ना तो वो आपका वर्ब है जान है ये ठीक है और ये एकदम बिल्कुल से बेसिक से पढ़ रहे हैं सही है तो ये किसी भी आपको लैंग्वेज का ये जान कौन होता है वर्ब होता है पी आर ई वर्ब क्रिया जिसे आप क्रिया बोलते हो ये जो है ना क्रिया इनफैक्ट क्या है ये क्रिया जो है ना हमारे जो भी सही ना एक्शन है वही एक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्रिया ठीक है ये आपका जो एक्शन है ना इस एक्शन को हम लोग क्या करते हैं वर्ब से करते हैं इसलिए आपको कहा गया कि ये जो वर्ब है ना पूरे इंग्लिश का माँ है भाई पूरी लैंग्वेज का ही माँ मदर ऑफ सही है वर्ब जो है किसी भी लैंग्वेज में वो मदर होता है ठीक है ये चीज है और अगर आपको वर्ब के बारे में कुछ लोग बहुत माथा चाट रहे थे कैसे हुआ तो ये जो है ना वर्ब जो है अपने किस फॉर्म में रहता है मैंने इसे पहले आपको पढ़ाया था कि वर्ब दो टाइप का होता है एक फाइनाइट वर्ब आप सुनिए क्योंकि हमने इसे पढ़ा दिया ठीक है तो ये वर्ब जो है आपका क्या होता है वर्ब आपका दो टाइप है एक फाइनाइट वर्ब्स दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स ठीक है जो फाइनाइट वर्ब्स होता है पहले ही बता दिया कि वो मेन वर्ब के रूप में होता है फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब होता है जबकि आपका नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब नहीं होता ये सारी चीजें मैंने बेसिक में पढ़ा दिया टॉपिक शुरू करना है 25 क्लास के बाद ये टॉपिक शुरू और इसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे समझ लो तो ये करने के बाद हम ट्रांसलेशन में जाएंगे पहले समझेंगे अच्छी तरह से दो टॉपिक पढ़ा के अभी इस बार चेंज कर दिया मैंने इस बार हमने क्या किया है कि दो टॉपिक यानी वर्ब और सब्जेक्ट वाले एलिमेंट मॉडल ऑफ पढ़ाने के बाद तब आपको हम लोग क्या करेंगे तब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा पहले नहीं करेंगे लेकिन और मजा आएगा तो ये हमने लिखा कि वर्ब दो टाइप का फाइनाइट एंड ऑलरेडी आपका वीडियो बना चुका है फाइनाइट एंड बहुत सारी चीज हो चुकी है तो इस जो फाइनाइट वर्ब है इस फाइनाइट वर्ब में मेरा v1 v2 v3 v4 v5 ये पांच फॉर्म्स है वर्ब के इसी पांच फॉर्म्स में से आपका जो v3 और v4 है वो नॉन फाइनाइट बन जाता है वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया ना अबे यार क्या आपका वोकैब लास्ट में पढ़ा होगा क्या तो आपकी वीडियो पढ़ूंगा यस वोकैब लास्ट में पढ़ाने वाला हूं तो ये जो आपका है ना ये आप देखो ध्यान से तो ये आपका v1 देखो ये जो फाइव फॉर्म्स है v1 का मतलब क्या है ये आपका प्रेजेंट टेंस होता है प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं एकदम सही है वो ऐसा जो भी लिखा है v2 की बात करें तो ये पास्ट टेंस में यूज करते हैं आपको याद है कि v1 का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस इसको बोल सकते हैं कि सैलरी या मॉडल्स के बाद v1 का प्रयोग करते हैं याद हो आपको ये v2 जो पास्ट में इसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं v3 का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल इसको पढ़ा दिया कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये हमें पढ़ा दिया पहले आपको मैंने पहले पढ़ा दिया कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है याद है ना कि पास्ट पार्टिसिपल के रहते हुए ये पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा ये मेन वर्ब भी बनता है साथ में ये नॉन फाइनाइट भी बनता है ये ऑलरेडी पढ़ा दिया ठीक है ये भी हमने पढ़ा दिया V4 के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं और ये V4 जो है मैंने पढ़ा दिया बेसिक में अभी फाइनाइट नॉन फाइनाइट V3 आया तो तीन तरीके से यूज करते हैं पहला होगा मेन वर्ब के तौर पे दूसरा होगा ये आपका जो है बोलते पास्ट पार्टिसिपल है दूसरा इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं और तीसरा नॉन फाइनाइट के तौर पे यूज करते हैं याद है पढ़ा दिया हमने और अगर V4 की बात करें तो V4 अगर है तो चार है तो चार तरीके से यूज करते हैं चार तरीके से पहले मैंने बोला था कि मेन वर्ब ठीक है दूसरा आपको बोला था कि एजेंट होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है याद होगा अगर हमने बोला था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं और चौथा जो है नॉन फाइनाइट के तौर पे यूज करते हैं याद है ये मैंने पढ़ा दिया ये दिक्कत लास्ट में आज मैं वो क्या पढ़ाने वाला हूं इसे भागोगे नहीं सेशन चलेगा और ये जो V5 है ना ये V5 जो मेरी बात है अंतिम जो लिखा हुआ है इस V5 का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं V5 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं और उसमें भी क्या तो जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा सब्जेक्ट हमारा सिंगल होगा सिंगल सब्जेक्ट होगा याद है ना जब सब्जेक्ट सिंगल होता है सिंगल तब V5 का यूज करते हैं जैसे अगर सिंगल सब्जेक्ट की बात करें जब एक का बोधक हो तब या अनकाउंटेबल नाउन होगा तब एक का बोधक हो या अनकाउंटेबल नाउन सिंगल सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है सब सिंगल सब्जेक्ट होते हैं इसका वीडियो मैंने शुरू में बता दिया था सभी से बारे में बताया था ये बात नहीं तो ज्यादा जानकारी के लिए जब नॉन प्राइमरी स्पष्ट हो जाएगा साथ ही साथ प्रोनाउन की बात करें तो आपका याद होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट उसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं समझे उसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं स्पष्ट हो गया तो ये हमारा V5 था और इस चीज को आप समझें अच्छी तरह से ये अगर नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको ठीक है अगर नहीं समझते हो ना तो दिक्कत होगा ये याद रखेंगे अगर आप नहीं समझते हो तो बहुत दिक्कत होगा ये
ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत इशू होगा इस पे, ठीक है। अगर आप नहीं समझते हो तो इशू होगा, ये जान लीजिए आपको अच्छी तरह से। ये अगर नहीं समझते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना क्या है, प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है कि जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है पहले, ठीक है, जितनी भी चीजें पढ़ाई है पहले, उन चीजों को आप जरूर याद कर ले, समझ लें, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट जो है आगे बात बताते हैं, ये क्या है सो, देखिए वर्ब में दिया हुआ है, पर ये इसको आप पढ़ने का, ये पीडीएफ को मिला है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर वर्ब ध्यान सुनेंगे, अगर वर्ब का मूल, देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर वर्ब का मूल रूप याद हो, अगर मूल रूप याद हो, सही है, व्हाई वी यूज प्लुरल सब्जेक्ट, ओ व्हाई वी यूज प्लुरल सब्जेक्ट, अबे यार प्लुरल सब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब क्यों करते हैं, इसका कहानी जानने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा और इंग्लैंड जाके वहां पे रिसर्चर से मिलना पड़ेगा। हिंदी में अगर मैं पूछूं कि हिंदी में हम लोग अगर लिखे हो तो हम लोग खाते हैं, हम लोग खाता है क्यों नहीं बोलते हो, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाता है क्यों नहीं बोलते हो, हम लोग खाते हैं, हिंदी में भी जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो हिंदी में हम लोग खाते हैं, पता है कि नहीं, हम लोग खाते हैं, देखो ये लिखा गया बुद्धिका के साथ, जबकि अगर आपको लिखना है सिंगुलर में तो वह खाता है, देखो अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखो वह खाता है, यहाँ बुद्धिका नहीं है, यहाँ के बोले बुद्धिका है, अंतर समझ लो, समझे आई के साथ है पे यूज क्यों करते हैं, ठीक है, प्लुरल सेंस। अब आई जो है ना नितिल, ये एक्सेप्शन केस है, आई जो है भी लेता है, आई जो है एम भी लेता है, आई जो है भी लेता है, आई जो है एम भी लेता है, और आई जो है भी वन भी लेता है, और आई जो है ये वाज भी लेता है, ठीक है, आई वाज भी लेता है, जो कि वाज जो होता है भी फाइव होता है, सिंगुलर होता है, आई जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। जब नाम ये मैं तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, समझे, मेरी मर्जी, आई के बारे में जान लो, ये आई जो है मेरी मर्जी वाला है, आई एम होता है, आई हैव होता है, लेकिन आई वाज होता है, क्या करोगे, समझे, तो ये इस अंदाज का है दुनिया, इसलिए सब चीज़ पे रिसर्च नहीं करने का, ठीक है, सुनो आप एकदम याद रखना, इस पर रिसर्च नहीं करने का, जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, चले इसको खत्म करें। ये लॉलीपॉप चीज़ क्या लिखा हुआ कि अगर वर्ब का मूल रूप याद हो तो V1, V2, V4, V5, देखिए अगर वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है उसको V1 करना है, कोई वर्ब का बेसिक फॉर्म लिखा जाता है 2 प्लस V1 से, जैसे अगर आपको बोला गया गो तो इसको बोला जाता है टू गो, बेसिक फॉर्म ये होता है, ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ है टू कम, ये बेसिक फॉर्म है, तो होता क्या कि V1 में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को V1 में दिक्कत नहीं होता है, V4 में भी दिक्कत नहीं होता है, और V5 में भी दिक्कत नहीं होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जानते क्या होता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉमन एरर अगर आता है तो वर्ब के फॉर्म्स पे आता है, और वो गलतियां क्या होती है, तो V2 और V3 में, बच्चों को सबसे ज्यादा गलती क्या होता है, V2 और V3 में, क्या रखेगा, और सबसे ज्यादा कॉमन एरर उसी पे आता है, एरर हो, इंप्रूवमेंट हो, एग्जाम चाहे जो भी हो, एग्जाम चाहे आपका एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, चाहे डिफेंस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा एरर बेस होगा फॉर्म्स पे, देखो दिक्कत होती है क्या, सो देखिए लिखता है कि इसमें कठिनाई नहीं होती है, कठिनाई है कि पास्ट टेंस यानी और पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट टेंस माने V2 और पास्ट पार्टिसिपल माने क्या V3, इसमें परेशानी बहुत होती है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, देखिए के लिए सामान्य नियम से काम नहीं चलता है, कहीं तो रटने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, V2 और V3 याद करने के लिए सामान्य नियम, अंग्रेजी के अधिकतर वर्ब्स के रूट फॉर्म, क्या लिखा गया, रूट फॉर्म सफिक्स ईडी या डी, आपको मैंने पढ़ा है डी या ईडी, ये दो सफिक्स है, क्या ना, ये सफिक्स है जो किसी वर्ब के अंत में ईडी या डी लग के बने, V2 V3, हां नितिन लग तो मजा आएगा, जानते हो तुम्हारा क्या है कि अगर किसी भी वर्ब का कोई भी वर्ब जिसका V1 का बेसिक है V1, जिसका V2 V3, जिसका V2 और V3 अगर हम डी लगा के या ईडी लगा के बना दें, डी लगा के अंत में सफिक्स, सफिक्स होता है ना अंत में, डी या ऐड क्या लगाना, ईडी लगा के बना दो, तो ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स, वैसे वर्ब्स जिनका V2 और V3 डी या ईडी लगा के अंत में सफिक्स लगा दो, डी या ईडी लगा के V2 V3 बना दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेगुलर वर्ब्स हो जाएगा, एडजेक्टिव भी होता है, यस सर, ये आपको पता है कि V3 तो एडजेक्टिव होता है, तो ईडी और डी लगा के एडजेक्टिव चेंज हो जाएगा, अगर आपका पास्ट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव होगा, ये बात मैंने पहले बोल दिया, समझे, एडजेक्टिव भी साथ में आएगा, क्योंकि आपका पास्ट पार्टिसिपल V3 एडजेक्टिव होता है, लेकिन बात ये है कि पहले V2 और V3 तो सीखें, तो ये बेसिक फंडा, रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके बेसिक फॉर्म को बेस फॉर्म में अगर हम डी और ईडी लगा दें तो V2 और V3 बन जाए, ठीक है, ये बात समझे, चले आगे बढ़ेंगे, तुम लोग को लगता होगा कि सर बेसिक में इतना टाइम क्यों लगा, मेरे भाई बेसिक में इतना टाइम लगाने का कारण है, बेसिक सही, आगे देखो, अब ये जो वर्ब्स देख लो, ये जो है ना, देखो ये बेस फॉर्म लाफ लगा, इसमें ईडी लगा V2 V3 लगा दिया, वर्ब ईडी लगा कर दिया, एलआई में सिर्फ डी लगा कर दिया, तो इस टाइप के जितने भी वर्ब्स है ना, ये वर्ब्स जिसमें हम ईडी और डी लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, देखो ये वर्ब्स जिसमें सिंपली ईडी लगा दिया तो V2 V3 बन गया, यहां एलआई में डी लगा दिया तो बन गया V2 V3, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ईडी लगा, ईडी लगा लेकिन नियम वाई हटा के आई लगा गया, तो ऐसे भी है जिसमें हम लोग ईडी और डी लगाते हैं, ठीक है, वो रेगुलर वर्ब्स है, तो ये लिखा हुआ है कि रेगुलर वर्ब्स में सफिक्स डी या ईडी जोड़ते कुछ बातों को ध्यान रखनी पड़ती है, क्या बात है जो जिसको ध्यान रखना है, तो ये पहला रूल ये है कि अगर आप रेगुलर वर्ब्स को ध्यान समझेंगे, अगर ये रेगुलर वर्ब्स को चाहते हो कि अगर रेगुलर वर्ब्स को चाहते हो क्या V2 V3 में कन्वर्ट करना, तो देखो क्या पहला रूल है कि जिस वर्ड जिस वर्ब का बेसिक फॉर्म अगर सिंपली लास्ट में ई से एंड किया हो, सिंपली लास्ट में ई से एंड किया हो, देखो ई से एंड किया, ई से एंड किया, ठीक है, अगर ई से एंड किया तो कुछ नहीं करना, सिंपली डी लगा देना, सब डी लगा दिया, देखो सिंपली डी लगा के कहानी खत्म कर दिया, समझे, सिंपली डी लगा के कहानी खत्म कर दिया, कोई इशू, तो ये आप देख लो, ये तो बहुत पकड़िया चीज है, अगर देख लो अच्छी तरह से, ये सब मैं क्या किया, डी लगा के कहानी खत्म कर दिया, कोई दिक्कत, ये आपका बेसिक चीज है, बहुत सिंपल चीज है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखो मेरे भाई, अभी देखो लिखा हुआ सिंपली डी लगा, लेकिन देखो इस तरह के कई वर्ड जिसमें आप सिंपली डी लगा दो काम हो जाएगा, ठीक है, अबे यार सिवम जा कैसे पता चलेगा कि V2 है V3 है, यही तो तुम्हें बेवकूफी की बात कर देते हो, तुमको नहीं पता कि अगर हैज हैव हैड है, तुम्हें नहीं पता कि अगर हमारा हैज हैव हैड है, ठीक है, अगर हमारा हैज हैव हैड है, बताओ हैज हैव हैड के बाद ये क्या होता है, V2 होता है V3 होता है, ये बता, ये तो बोलने की चीज है, अगर दो वर्ड जैसे हेल्प है, हेल्प है, अगर आई हेल्प लिखे, तुमसे पूछते हैं आई हेल्प लिखे और आई हैव हेल्प लिखे, बोलो कि दोनों में हेल्प में कौन कौन V2 है कौन V3 है, बताओ आई हेल्प और आई हैव हेल्प क्या है, तुम्हें पता चला है, समझो ऐसे भी V3 जो होता है ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब लेता है, पहले बता दिया क्या फोकस वाला क्वेश्चन पूछते हो कि पता चलेगा V2 और V3 है, भैया V3 को मैंने पहले बता दिया, जिस दिन फाइनाइट ना फाइनाइट आया था उसने क्लियर बोला था कि V3 और V4 अगर फाइनाइट है तो ये हमेशा डबल यूज होता है, क्यों, तो किसी पीछे हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने बोला था कि V1 या V5 हो या आपका V2 हो, ये सिंगल यूज होता है, सही है, ये मेन वर्ब में भी कन्वर्ट हो जाता है, केवल V1 जो है ना ये मॉडल्स के साथ आता है, ये मैंने बता दिया था कि मॉडल्स होगा तो V1 होता है, भूल गया क्या, क्या फोकस वाला क्वेश्चन पूछते हो यार, ये तो ये वाली बात हो गया ना, ये मतलब पूरा कहानी पढ़ लो उसके बाद पूछो, समझो ना, उसका पूरा पूछ लो, ये तो ये होना कि बजरंगी तुम्हारे बाप का नाम क्या है, ठीक है, नहीं वाला बात नहीं, बसंती तुम्हारा नाम क्या, बसंती तुम्हारा नाम क्या, फिल्म सोले देखो, बसंती तुम्हारा नाम क्या, सुनो ये लोग आपका सोली मूवी में अच्छा डायलॉग है, समझे, धर्मेंद्र साहब ने पूछा था इससे कि बताओ कि बसंती तुम्हारा नाम क्या, अभी नितिन राजपूत हैज हैव हैड, ये आपका लिंकिंग वर्ब थोड़ी होता है, हैज हैव हैड जो होता है ये तो अपने आप में पॉसेसिव मेन वर्ब होता है, हां तुम उसके जाकर लिंकिंग वर्ब फिर से पढ़ो,
नहीं अब तक बच्चन ने पूछा था अच्छा चलो विशाल जवान बसंती तुम्हारा नाम क्या चलो ठीक है तो ये तो वही वाला बात हो गया पूरा पढ़ाने का सब कुछ जानने के बाद बसंती तुम्हारा नाम क्या ठीक है तो देख ले भाई बसंती तुम्हारा नाम क्या है अब ये पूछ रहा है कि हैव के बाद ये जो क्या ये बीती नहीं बुझाता नहीं कि हैव के बाद जो होता है पहले क्या होता है हेल्पिंग होता है और जब आपका बीटू होता है तो अकेले चलता है ठीक है इज हैज अबे यार भरबू टू लिंकिंग पर होता है हैज हैड लिंकिंग पर नहीं होता ये और पागल कर देती अजीब अजीब लड़का सर मेरा दिमाग दर्द करता ओहो कौन धंधा में आ गया यार इससे अच्छा तो नेतागिरी कर लेते नहीं बोले तो नेता बन जाते समझ लो इतना में तो विधायक विधायक बन जाते हैं हां फंस गए जाना पड़ेगा उसी में ठीक रहेगा चलो अबे यार मतलब ये मतलब पागल कर देगा हमें सही है ना ये बोला नीति बोला हैज हैड लिंकिंग पर अब एक बता लिंकिंग वर्ब में वर्ब टू बी होता है इज़ अ आवाज वेयर होता है हैज हैड नहीं होता हैज हैड के बाद मेरा ये ऐसे पे पढ़ा रहे हैं इसमें सारी बेसिक पीरियड जो है कर लो एडमिशन कंटिन्यू रहेंगे तो ऐसे ही डाउट होंगे नहीं सर एडमिशन अच्छा करनी है ये नीति पहले से पढ़ रहा है ठीक है और शिवम जाते इसलिए ठीक है नहीं पहले से पढ़ाई क्यों पूछोगे इस टाइप की बातें ठीक है चलो आगे देखो आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तो ये हमारा क्या V2 V3 जो है ना सिंपल है ईडी लगा जोड़ देते हैं सही है तो ये आ गया डी या ईडी आप एकदम स्पष्ट रूप से देखो ये तो हो गया सिंपलिटी वाला सेकंड देखिए सेकंड रूल क्या आप घर पे जाकर पढ़िए इस वीडियो को जिस लेवल वर्ब के अंत में ई नहीं रहता लेकिन अगर जिस लेवल वर्ब के अंत में अगर आपका ई नहीं रहा तो उसमें हम क्या करेंगे जैसे हेल्प है ई नहीं दिया वो पे नेटवर्क है वर्क इसमें ई नहीं है तो ईडी लगा देना सफिक्स ईडी लगा के आप V2 V3 बनाते हैं सही है ये समझ लो ना ये जान लो कि जिस वर्ब के रूप में देखिए जिस वर्ब के बेसिक फॉर्म में अगर हमारा ई ना हो तो उसमें ईडी लगा के क्या बना देंगे V2 V3 समझ लो तो ये जान लो ये सेकंड रूल है आप जाके इसको घर पे पढ़ लेना सिंपल चीज है जाके पढ़ना पीडीएफ है बहुत मस्त चीज है उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा ये है रूल नंबर मेरा भाई साहब 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसको देख ले ये मजेदार चीज है क्या है ये कहता है कि जिस वर्ब के अंत में जिस वर्ब के बेसिक फॉर्म में ठीक है अगर हमारा क्या हो जाए सो देखो अगर रेगुलर वर्ब है और जिसमें क्या हो लास्ट में इस टाइप का स्ट्रक्चर हो अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो अब ये मत पूछना कि वोवेल क्या होता है कंसोनेंट क्या होता है सही है तो ये भी मैं बता देता हूं मेरे भाई ए आई ओ और यू ये मेरे भाई वोवेल ठीक है इसको छोड़ के जो बचा ना इसके छोड़ के जो भी 26 है ना उसमें से ये 5 माइनस कर ले जो बचा सब 21 जो है वो कंसोनेंट है क्योंकि तू पूछ सकते हो ठीक है ये भी पूछ सकते हो इसमें स्विम का अबे सुजान सा अभी स्विम पर आ रहा हूं मैं अभी मैं स्विम पर आ रहा हूं अभी रूल नंबर 3 में पहुंचा आप तो देखो अबे यार रूल नंबर 3 में आ रहा ना स्विम में पता चल जाएगा गाइडेंस ले रहा रूल नंबर 3 में आ रहा है पता चल जाएगा स्विम क्या होगा चलो आगे देखो ठीक है अल्फाबेट भी बताते हैं तो चलो अल्फाबेट भी बताते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के समझो ना हो गया ब्रो ये अगर देखो यहां पे क्या है अगर वाई है और उससे पहले देखो क्या एक कंसोनेंट है आपको करना क्या है कुछ नहीं करना वाई को हटा देना ठीक है और वाई को हटाते ही आई जोड़ देना और साथ में आपको ईडी लगा देना और ये काम दोनों में करना ठीक है तो ये बन गया सर क्या समझो तो ये आपको बन गया क्या V2 V3 समझे जैसे कैरी है ना तो कैरी कैरी अप्लाई तो अप्लाई अप्लाई लेकिन ये रूल किसके लिए ये आपको कि अगर वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो ठीक है ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इस रूल पे बने हुए हैं देख लीजिए आपको बहुत सारे वर्ड भी हैं और आपका काम क्या है इस वर्ड्स का मीनिंग भी अपने देख लेना हिंदी में बस और जो आप नहीं जानते ये वर्ड्स को वाला बचपन में पढ़े होंगे नहीं तो अपने को आप एक काम करना एक ऑक्सफोर्ड की बुक आती है ठीक है या कोई बुक ग्रामर की बेटी इंग्लिश कोई बुक आती है कोई बुक ले लेना सभी बुक्स में ये दिए हुए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ा दें इससे खतरनाक रूल क्या है ये जो आपका ना अगर वाई है उससे पहले कंसोनेंट है तो हम वाई को चेंज कर दीजिए इसमें आई में और ईडी जोड़ के V2 V3 बनाए लेकिन अब जरा देखो लेकिन क्या लिखा है लेकिन लिखा है कि जब क्या लिखा लेकिन जब अंत में वोवेल प्लस वाई रहे अंत में क्या हो लास्ट में वाई रहे उससे पहले वोवेल हो तो क्या करने का तब आप वाई को नहीं हटाना और सिंपली क्या करना वाई को आई में नहीं बदलना ठीक है करना क्या है सिंपली इसमें ईडी जोड़ना सिंपली ईडी जोड़ना ठीक है आपको सिंपली क्या करना अब देखो गोलू कुमार को ये हमसे पूछ रहा है कि वोवेल साउंड कितना होता है ए भाई तू वोवेल साउंड जाके की कर दे ठीक है बताओ यही सब पढ़ना है तुमको लिटरेचर पढ़ना है मेरे भाई पढ़ना है लिटरेचर साउंड बहुत होता है वोवेल 5 होता है कितना जान ले साउंड बहुत होता है लेकिन आपका ये जो है ना देखो वोवेल साउंड लगभग जो है ना 20 और ये जो होता है कंसोनेंट साउंड लगभग 26 यानी लगभग 26 या 24 यानी 20 वोवेल साउंड होता है ठीक है ये प्रोफेसर बनना है बताना कोई इशू नहीं है चलिए आगे बढ़ो ये जो ना वोवेल साउंड में मजा जरा जा बहुत मजा आ रहा है मजा तो आएगा ही चलिए तो ये आपका प्ले है ना ईडी लगा दो समझे ये कब होगा जब आपको अंत में वाई और उससे पहले वोवेल होगा उसके लिए नियम है देखो अच्छी तरह से जान ले तो ये खत्म हो गया लेकिन अब क्या है ना ये जो रूल है ना मेरा बउआ ये जो रूल है मेरा कि वाई और उसके पहले वोवेल सही है वोवेल वाला ठीक है अल्फाबेट और उसके बाद तब उसके लिए रूल है लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है अपवाद तो हर जगह होते हैं तो ये रखो अपवाद वाला ठीक है क्यों इसको देखो इसको अपवाद वाला देखो ये अपवाद वाले क्यों है समझेंगे देखो प्ले है तो प्ले है तो इसका मतलब क्या सिंपली बना दिया आपने प्लेट प्लेट तो ये आपका प्लेट प्लेट है ना तो ये आपका रेगुलर वर्ब हो गया रेगुलर वर्ब इसलिए हो गया क्योंकि आप सही ना जब ईडी और डी जुड़ता है तो रेगुलर वर्ब होता है लेकिन अगर ईडी सही ना ईडी ईडी सफिक्स और डी सफिक्स ना रहे तो रेगुलर वर्ब नहीं होता ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये रेगुलर वर्ब में है ही नहीं ये जो भाई साहब है ये रेगुलर वर्ब है ही नहीं इसके अंत में आपको डी सिंपली डी या ईडी नहीं है क्योंकि से का बन गया आईडी लगा देखो ये आईडी लगा जैसे ये पे है ये बना आईडी लगा देखो इसका अपना दुनिया अगर टी लेटर है ये वाई है इसका अपना दुनिया आईडी लगा देखो ये एक अलग दुनिया सही है क्या लगा जो ऐप का माथा चट रहा है ना से अरे आपका माखा को नहीं चट रहा अरे कोई पढ़ने का तरीका कोई चाट नहीं ठीक है ये देखो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बच्चों का पूछना वो तो मैं मजा लेने के लिए करता हूं ठीक है ऐसा नहीं कोई मेरा माखा नहीं चट रहा मेरा माखा चटता तो बहुत ज्यादा सफेद बालों नहीं रहता सही रहता तो कोई चटने वाली बात नहीं है सब सही पूछ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हमें मेरा काम है बेकार को कमेंट भी तो कोई बात नहीं है कोई तकलीफ नहीं समझे ये हम याद रखेगा एकदम आप जान ले समझे ये जो है ना ये आपको सही कर लेना ये सब छोटी छोटी चीजें होगी ना आप सही कर लेना ठीक है सीधा सही कर लेना कोई बच्चा कुछ पूछता भी ना टेलीग्राम चैनल का कथा कहेंगे लिख एम जी सुल्तान टेलीग्राम डाउट सेल सुल्तान एम जी सुल्तान डाउट सेल एम जी सुल्तान डाउट सेल ये एक हुआ ये डाउट से वाला हुआ दूसरा है एक और मेरा है सही ना इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर मेन जो है ये इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर ये भी सर्च कर लेना ऑफिसर सुशील सर तो आपको मेरा है एक एक बनाया डाउट सेल के लिए चैट के लिए बच्चों का और ये एक जो है आपका इस अंदाज दो मेरा टेलीग्राम है ये वाला डाउट के लिए चैटिंग के लिए और ये मेरे नोटिस के लिए कुछ जाएगा मटेरियल के लिए इसको दोनों को मैं प्राइवेट कर दूंगा ठीक है ये दोनों प्राइवेट हो जाएगा दोनों को जल्दी प्राइवेट करने वाले हैं नहीं तो कम इसको जरूर प्राइवेट करेंगे ये पब्लिक वो आपको प्राइवेट हो जाएगा ठीक है ये जो लिखा है सुल्तान डाउट सेल ये आपको प्राइवेट हो जाएगा ठीक है ये जो भाई है ना ये 3 लेटर ऐसे मत करो कि 3 वाला ऐसा ही होगा ये एक्सेप्शन है आपको याद रखना होगा ठीक है ये एक्सेप्शन है इसको याद रखना पड़ेगा एस ए वाई पी ए वाई जनरली 3 लेटर्स में होगा जनरली 3 लेटर्स में होगा और ये स्ट्रक्चर ठीक है
ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर कुछ बात भी बयान करती है जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं ठीक है हां ठीक कर लिया सेट में पेड़ लिखा हुआ है कर तो दिया मैंने सेट पास करो ठीक कर लेना जब इसमें छोटी छोटी गलतियां हो ना उसको ठीक कर लेना अपने न्यू पर्सन नहीं ज्वाइन करेंगे इसमें न्यू पर्सन नहीं ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन कर लो जितना आज का टाइम है याद रखना न्यू पर्सन को ज्वाइन करने के लिए ना बात होगी पहले देखो ये समझ में आया आगे देखें हम लोग आगे क्या देखो ये हमारा जाने रूल नंबर 4 पे ये मस्त है इसको पढ़ के आपको 5 तक है रूल पढ़ा देते हैं देखिए जब एक सिलेबल वाले ये क्या बात है सिलेबल क्या होता है समझेंगे हम लोग सिलेबल जो है ये प्रोनंसिएशन का पार्ट है जैसे हमारा जो टंग है ठीक है टंग और जो हमारा जो आपका जीभ है और जीभ के ऊपर जो है ठीक है वो अगर हमारे ऊपर के स्किन से टच करता है उस दौरान जो प्रोनंसिएशन होता है उसको हम सिलेबल कहते हैं जैसे अगर हमें बोलना हो कि ब्यूटीफुल अगर हमें बोलना हो ब्यूटीफुल देखो इसमें कितने सिलेबल ब्यूटीफुल ध्यान देंगे पूछा जाएगा इसमें इसको बोलने के क्रम में इसको प्रोनंसिएशन के क्रम में कितने बार हमको रुकना पड़ता है छोटी छोटी ब्यू देखो ब्यू पहली बार ब्यू टी उसके बाद फुल ये तीन बार रुका हमें ब्यूटीफुल इसमें कितने सिलेबल कितने सिलेबल इसमें सिलेबल कितने इसी को सिलेबल कहते हैं जो प्रोनंसिएशन में आप लोग रुक रुक के बोलते हैं एक एक को या एक लेटर हो या दो लेटर या तीन लेटर जो के वो हमारा सिलेबल होता है जैसे ब्यू ब्यू में आता तीन लेटर ब्यू जो है तीन ब्यू में चार लेटर टी ये दो लेटर फुल तीन लेटर समझे दो पहले में चार लेटर बनके बन गया ब्यू दूसरे में टी और तीसरे में फुल तो ब्यूटीफुल ये यहां तीन सिलेबल है समझे इसी को हम सिलेबल कहते हैं बस समझो ये इसको बोलते हैं सिलेबल समझ आ गया चलिए तो ये बोलता है कि जब एक सिलेबल वाले रेगुलर एक सिलेबल वाले रेगुलर मतलब क्या जिसमें एक बार में बोल दे प्रोनंसिएशन वन टाइम हो जाए पिक हो गया खत्म ड्रॉप बैट बार ड्रॉप सही है स्टॉप ये एक सिलेबल वाले ठीक है और एक सिलेबल के साथ साथ इसका जो कॉम्बिनेशन हो कॉम्बिनेशन आखिरी से कॉम्बिनेशन हो कंसोनेंट वोवेल कंसोनेंट पीछे से अगर आखिरी से सीबीसी कॉम्बिनेशन हो सीबीसी आखिरी से सीबीसी कॉम्बिनेशन हो कंसोनेंट वोवेल कंसोनेंट तो अगर इस टाइप का है ना तो इसको क्या करना है ये आपको क्या लेटर है उसको मतलब वर्ड आखिरी का अगर तीन सीबीसी कॉम्बिनेशन हो और साथ में एक सिलेबल वाला प्रोनंसिएशन एक बार में हो जाए तब इसका जो बनाना होता है वी टू वी थ्री इस अंदाज में बनता है जो आपका लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है उसका अंदाज है वन सिलेबल है और साथ में सीबीसी कॉम्बिनेशन है देखिए बेग एक हो गया और इसका कॉम्बिनेशन सीबीसी कंसोनेंट वोवेल कंसोनेंट करना कुछ नहीं है जो आखिरी लेटर होगा उस लेटर को डबल करना है और साथ में ईडी जोड़ना है देखिए डबल किया जी को एक और जी दिया और ईडी लगा दिया जैसे आर ओ बी सीबीसी कॉम्बिनेशन है और एक सिलेबल है इसमें भी डबल किया और साथ में हमने क्या किया ईडी लगा दिया समझे ये समझ में आ रही है भाग गया क्या सर अब यार भागो नहीं अगला देखो पैट पैट में वही किया डबल टी किया ईडी लगा दिया बार है बार है बार है ड्रॉप देखो ड्रॉप में भी सी है बी है सी है सीबीसी कॉम्बिनेशन और इसको क्या किया ड्रॉप कर दिया ठीक है स्टॉप है तो देखो सीबीसी सीबीसी कॉम्बिनेशन स्टॉप कर दिया ये आपका रूल नंबर 4 ये दिक्कत ये रूल नंबर 4 है बताया चलेंगे आगे अब इसी में क्या ना इसमें क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं कि अगर आपका ठीक है इसी में आपका क्या हो जाए कि इसी में आपका सीबीसी कॉम्बिनेशन हो अंत में क्या हो सीबीसी कॉम्बिनेशन हो लेकिन अगर अंत देखो ये सीबीसी कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन सीबीसी लेकिन अंत में अगर एक्स होगा ना अंत में एक्स होगा तो ये नियम नहीं लागू होगा अगर अंत में एक्स होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा देखो एक्स का डबल एक्स नहीं होगा सही है अगर एक्स होगा तो ये नियम नहीं लागू करेंगे दिक्कत फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्शन की बात है अगर बीच में दो वोवेल लेटर्स हो अगर बीच में दो वोवेल हो जाए देखो या दो वोवेल एस ई ए टी ये आपका एक सिलेबल का वर्ड है सीट और सीट जब लिखते हैं एक आपका ये भी सीट होता है ठीक है तो ये सीट का अगर आपसे पूछा जाए ना वी टू वी थ्री सीट क्या होता है सीट सेट सेट होता है ये इसका वी टू वी थ्री होता है एक्सेप्शन है ये जो है एक्सेप्शन इसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ड्स ठीक है ये इरेगुलर वर्ड्स है पढ़ेंगे आप आगे सीट सेट सेट होता है लेकिन मेरे भाई ये बैठाने के लिए सीट पे बैठना सीट ये जो सीट है ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है ठीक है नाउन वर्ब दोनों होता है अब यहां पे क्या है दो बार वोवेल है देखो दो बार वोवेल है फिर आपका क्या कंसोनेंट है अगर बीच में दो वोवेल लेटर्स हो तब भी ये नियम लागू नहीं होगा तब आपका ये नियम लागू ना करेंगे ये सिर्फ आपको सीबीसी समझो दो कंसोनेंट के बीच में एक वोवेल होगा तब ये नियम लागू होगा डबल करके ईडी लगाना ये नियम लागू नहीं करेंगे अगर आपका डबल वोवेल हो जाए तो आपको क्या करना है देखो यहां पे आपको क्या करना है कि डबल टी नहीं करना है सिंपली ईडी लगा देना सिंपली जैसे लुक है तो सिंपली ईडी लगा दिया कुक है तो क्या किया सिंपली ईडी लगा दिया क्लीन है डबल वोवेल लेकिन सिंपली ईडी लगा दिया डबल आप नहीं करोगे टेक्स्ट का क्या लिखा टैब क्या होगा बी टू थ्री अबे यार लिखा ना टेक्स्ट 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 ठीक है ना ई एक्स का देखो लिखा होना टेक्स्ट टी एक्स ईडी टी एक्स ये होता है सिंपली ईडी लगता है डबल एक्स नहीं करते चलो आगे बढ़े रूल नंबर 5 ये मस्त है रूल नंबर 5 बोलता है कि यदि रेगुलर वर्ब्स ध्यान दीजिए अगर रेगुलर वर्ब्स में यदि रेगुलर वर्ब्स दो सिलेबल का हो जाए दो सिलेबल मतलब पर मिनट देखो दो सिलेबल मींस अगर दो बार इसको प्रोनंसिएशन बोलना पड़े पर मिनट देखो पर मिनट दो बार बोलना पड़ा दो सिलेबल कि दो सिलेबल हो जाए लेकिन पीछे से देखो दो सिलेबल हो जाए और अंतिम बोलता है अंतिम सिलेबल सीबीसी हो लेकिन अंतिम में क्या हो सीबीसी कॉम्बिनेशन हो पीछे से सीबीसी कॉम्बिनेशन हो समझे ये जो है ये फटाफट देख लो ये आपका सीबीसी हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अंतिम वाले जो होगा उसको हम कंसोनेंट को क्या करेंगे डबल करेंगे और ईडी लगा देंगे ठीक है जैसे अलॉट एलओटी है सीबीसी इसको क्या करना है डबल टी करके ईडी लगा देना ए बी ए बी जी सही ना डबल करके और ईडी लगाना प्रेफर ठीक है इसको क्या करोगे ये आपको आर को डबल करके ईडी लगा दोगे समझे ये आप जान लो कि डबल अगर इसका डबल सिलेबल है दो बार बोलने लगता हो और आखिरी जो सीबीसी हो तो आखिरी सीबीसी होगा अंतिम जो आपका कंसोनेंट होगा उसको डबल करके ईडी लगा दो बी टू बी थ्री हो जाएगा और आपको क्या किया है कि यही रूल में क्या किया अगर अंतिम में एक्स होगा यही जो है अगर हमारे डबल सिलेबल का है और अंतिम में अगर एक्स होगा तो ये नियम नहीं लगेगा ये बात पहले बता दिया है कि सीबीसी में अगर अंत में एक्स होगा ना अगर अंत में एक्स होगा सही है अगर अंत में एक्स हो तो रूल नहीं लगता ठीक है कि अंतिम सिलेबल अनस्ट्रेस्ड ठीक है अनस्ट्रेस्ड हो पहले दूसरे पहले ये था देखिए ये तो हो गया एक्स होगा तो लागू नहीं अगला देखिए नोट 2 में क्या लिखा है नोट 2 में ये है कि अगर अंतिम सिलेबल ठीक है अंतिम सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो अनस्ट्रेस्ड मतलब समझो उस पे अगर मान गया हो एसटेस ने जोड़ नहीं डाला गया हो अनस्ट्रेस्ड का मतलब क्या जिस पे जोड़ ना डाला जाए एसटेस पार्ट मान गया एसटेस पार्ट जिस पे जोड़ डाला गया तो अनस्ट्रेस्ड हो तो अधिकतर केसेस में लेटर डबल नहीं होगा ऐसे इंटर बोलते हैं हम लोग बिहारी यानी इंडियन बोलते हैं इंटर हम लोग आदत है जब टाइपिंग करते हैं खट अच्छा बोलते हैं तो लास्ट बोलते टर ठीक है हम लोग आदत है इसको बोला जाता है इंटर ठीक है इंटर करके छोड़ दिया इंटर ऐसे करके रॉ ऐसे होता है एकदम बहुत हल्के में बोला जाता है लेकिन हम लोग आदत है कि रॉ उजाता ज्यादा बोलते हैं तो ये जो आपका है कि ये अगर अंतिम सेवल जैसे इन बोल दिया ठीक है इन करके टो होता है पूरा नहीं बोला तो इसको अंतिम पार्ट जो है इसका क्या है टीआर देखिए सीबीसी कॉम्बिनेशन भी है टीआर भी है लेकिन हम इसको डबल नहीं किया सिंपली आर रखे और ईडी लगा दिए ये भी रखना भाग गया क्या सर अरे गुलशन सर भाग गया क्या तुम लोग करंट का नाम भाग गया भागा नहीं है ठीक है गुलशन क्या पूछा है सीएचएसएल के लिए यही मतलब पूछने का तो फेसबुक पे भी मैसेज पे तो यही पूछना है तुमको कहीं और नहीं पूछ सकते हो ठीक है चलिए ये देखो क्या है कि इंटर्ड इंटर्ड सही है आंसर होता है आंसर ठीक है आंसर अगर ऐसे आंसर लिखते हैं तो आंसर तो ये आपको लास्ट जो दिया ना सीबीसी डब्ल्यू आर ये आपको एसटेस नहीं होता जो उस पे नहीं डालते इसलिए सिंपली ईडी लगा
ये रॉ आर्गो ओपन ओपन ठीक है ओपन या अपन ओ करके अपो नो ओपन ऐसे होता है स्ट्रेस नहीं होता तो ये आपका इस अंदाज में जो हमारा रूल नंबर 3 था ठीक है रूल नंबर 3 क्या मतलब रूल नंबर आपका 3 होगा याद होगा सीबीसी सीबीसी वाला रूल को बोलता है रूल नंबर 3 देखिए यहां पे सिग्नल सिग्नल तो सिग्नल पूरा नल नहीं होता है सिग्नल ठीक है ये क्या है कि रूल नंबर 5 के अब वाले एक्सेप्शंस भी हैं जो हमारा सीबीसी वाला था इंग्लिश में कुछ ऐसे निर्भर वर्ब्स हैं जिनके अंतिम लेटर को डबल करके ईडी सफिक्स जोड़ा जाता है ठीक है और सारा जिसमें हम ईडी जोड़ते हैं डबल करके जबकि अंतिम वोवेल अनस्ट्रेस्ड रहता है अब यहां पे क्या है ना कि हमने तो पाया था कि जब आपका रूल नंबर 3 था कि अगर सीबीसी कॉम्बिनेशन हो और एक सिलेबल हो ठीक है एक ही सिलेबल हो तो अंतिम वाला को डबल कर देते हैं यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यहां पे डबल सिलेबल भी है लेकिन अंतिम वाला जो देखिए अंतिम वाला जो है वो स्ट्रेस नहीं है अनस्ट्रेस्ड है अनस्ट्रेस्ड है ठीक है जबकि स्ट्रेस होना चाहिए स्ट्रेस नहीं है तो भी हम इसको क्या किया डबल कर दिया लेकिन बिहारी टोन में सिग्नल लीजिए सिग्नल तो एल को डबल कर दिया ये बिहारी टोन काम आएगा वायरल ठीक है तो वायरल डबल कर दिए ट्रैवल्ड अब लोग बोलेंगे तो देखो ट्रैवल्ड तो ये बिहारी टोन के अकॉर्डिंग सही है बिहारी टोन में अगर देखा जाए या यूपी टोन में तो इसका जो अंतिम पार्ट है अंतिम जो है आपका 3 लेटर सही है अंतिम सिलेबल जो उसमें स्ट्रेस डाल है और स्ट्रेस डाल है डबल कर दीजिए ठीक है सिग्नल कर दीजिए वायरल कर दीजिए ट्रैवल्ड कर दीजिए वर्ड शिफ्ट कर दीजिए ये हमारा कुछ नियम था जो कि रेगुलर वर्ब्स के लिए यूज करते हैं जहां हम लोग डी और ईडी लगा के बनाते हैं उसके बाद आपको जितने भी हैं इररेगुलर वर्ब्स हैं उस इररेगुलर वर्ब्स में पहला कहानी जो हम अभी लेने जा रहे हैं इररेगुलर वर्ब में वो ये है कि वे वर्ब ठीक है वे वर्ब इररेगुलर में वे वर्ब जिनका तीनों फॉर्म क्या होता है सेम होता है इररेगुलर वर्ब हमने शुरू किया और इररेगुलर वर्ब में पहला मेरा टॉपिक होगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है जिनका वी1 वी2 और वी3 तीनों सेम होता है ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है और ये सेशन हम लोग कल शुरू करेंगे ठीक है ये पीडीएफ आप लोग क्या करिए डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ये पूरा पढ़ के आएंगे बाहर कल रैपिड फायर होगा उसका क्वेश्चंस इसमें इसमें अलावा 100 क्वेश्चंस हैं आप देखना क्वेश्चन बनाना तो कल इसको पढ़ के आओगे अच्छे से ठीक है पास होना तो आपको कल इसको पूरा जो पीडीएफ है आप क्या करो अभी तुरंत डाउनलोड कर लोगे है डाला हुआ आपके एनडीए पे डाला हुआ है आप इसको पढ़ के आना कल गेम ओवर कल क्वेश्चंस वाली ठीक है कल सिर्फ क्वेश्चंस ये याद रखेंगे बंधु तब तक के लिए अलविदा गुड नाइट